नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप वेद मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे आप इस मूवी को कहां और कैसे देख सकते हैं वो बिल्कुल फ्री में दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा वेद मूवी के बारे में बात कर लेते हैं आखिरकार ये मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को ये मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इसे नापसंद भी कर सकते हैं और साथ में हम जानेंगे यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप हुई थी और इसके स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर भी है दोस्तों चलिए बात करते हैं वेद मूवी के बारे में इस मूवी को तीस दिसंबर दो में रिलीज की गई थी और इसके स्टार कास्ट में रितेश देशमुख गिनीलिया जिया शंकर और सलमान खान जैसे कलाकार आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर मेरी तरह आपके फेवरेट रितेश देशमुख और सलमान खान है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना और साथ ही साथ मूवी के रिलेटेड जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों बात करते हैं वेद मूवी के स्टोरी के बारे में तो इस मूवी में दिखाया जाएगा एक उदास शराबी होता है लेकिन उस शराबी को मुक्ति तब मिलती है जब उसे पहले की प्रेमी की अनाथ बेटी उसके साथ रहने का फैसला करती है हालांकि युवा लड़की उसे गोद लेने के एक शर्त रखती है आगे आपको इस मूवी में दिखाया जाएगा की क्या होता है और कैसे वो शराबी शराब ऐसी मुक्त होता है दोस्तों यह रितेश देशमुख की काफी कमाल की मूवी है और इस मूवी के डायरेक्टर भी रितेश देशमुख ही है दोस्तों बात करते हैं मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप फिर हम आगे जानेंगे आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं दोस्तों वेद मूवी को बनाने में लगभग 15 करोड़ की बजट लग गई थी लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी कमाल का कलेक्शन किया है इस मूवी ने लगभग पचहत्तर करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है इससे हमें यह पता चलता है यह मूवी दो की एक सुपर हिट मूवी लिस्ट में शामिल हुई अब बात करें इसके एम रेटिंग के बारे में इस मूवी को दस में से लगभग सात पॉइंट पांच की रेटिंग मिली है जो कि काफी कमाल की रेटिंग मानी जाती है और साथ ही साथ इसे नाइन्टी फाइव परसेंट गूगल करते हैं दोस्तों विद मूवी में ड्रामा एक्शन रोमांस तीनों आपको एक साथ देखने को मिलेगा और बात करें इसके ड्यूरेशन की तो इस मूवी की ड्यूरेशन दो घंटे अट्ठाईस मिनट की है चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो उन्हें मैं बता दो यह मूवी अभी यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं उनको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ही यह मूवी को यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस मूवी का लिंक एड कर दूंगा अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को एच क्वालिटी में ऑफिशियल तरीके से ओडीटी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं तो उनके लिए खुशी की बात है की इस मूवी को डिजनी हॉटस्टार रिलीज कर दिया गया है आप वहां जाके इस मूवी को एंजॉय ले सकते हैं चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप वेद मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे आप इस मूवी को कहां और कैसे देख सकते हैं वो बिल्कुल फ्री में दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा वेद मूवी के बारे में बात कर लेते हैं आखिरकार ये मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को ये मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इसे नापसंद भी कर सकते हैं और साथ में हम जानेंगे यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप हुई थी और इसके स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर भी है दोस्तों चलिए बात करते हैं वेद मूवी के बारे में इस मूवी को तीस दिसंबर दो में रिलीज की गई थी और इसके स्टार कास्ट में रितेश देशमुख गिनीलिया जिया शंकर और सलमान खान जैसे कलाकार आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर मेरी तरफ आपके भी फेवरेट रितेश देशमुख और सलमान खान है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना और साथ ही साथ मूवी के रिलेटेड जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों बात करते हैं वेद मूवी के स्टोरी के बारे में तो इस मूवी में दिखाया जाएगा एक उदास शराबी होता है लेकिन उस शराबी को मुक्ति तब मिलती है जब उसे पहले की प्रेमी की अनाथ बेटी उसके साथ रहने का फैसला करती है हालांकि युवा लड़की उसे गोद लेने की के लिए एक शर्त रखती है आगे आपको इस मूवी में दिखाया जाएगा की क्या होता है और कैसे वो शराबी शराब ऐसी मुक्त होता है दोस्तों यह रितेश देशमुख की काफी कमाल की मूवी है और इस मूवी के डायरेक्टर भी रितेश देशमुख ही है दोस्तों बात करते हैं यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप फिर हम आगे जानेंगे आप इस मूवी को कहा और कैसे देख सकते हैं दोस्तों वेद मूवी को बनाने में लगभग 15 करोड़ की बजट लग गई थी लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी कमाल का कलेक्शन किया है इस मूवी ने लगभग पचहत्तर करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है इससे हमें यह पता चलता है यह मूवी दो की एक सुपर हिट मूवी लिस्ट में शामिल हुई अब बात करके आई एम रेटिंग के बारे में इस मूवी को दस में से लगभग सात की रेटिंग मिली है जो की काफी कमाल की आई रेटिंग मानी जाती है और साथ ही साथ इसे नाइन्टी गूगल यूजर भी पसंद करते हैं दोस्तों विद मूवी में ड्रामा एक्शन रोमांस तीनों आपको एक साथ देखने को मिलेगा और बात करें इसके ड्यूरेशन की तो इस मूवी की ड्यूरेशन दो घंटे अट्ठाईस मिनट की है चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो उन्हें मैं बता दो यह मूवी अभी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं उनको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ही यह मूवी को यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस मूवी का लिंक एड कर दूंगा अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को एच क्वालिटी में ऑफिशियल तरीके से ऐसी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं तो उनके लिए खुशी की बात है की इस मूवी को डिजनी हॉटस्टार रिलीज कर दिया गया है आप वहाँ जाके इस मूवी को एंजॉय ले सकते हैं चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप वेद मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो बिल्कुल फ्री में दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा वैद्य मूवी के बारे में बात कर लेते हैं आखिरकार ये मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को ये मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इसे नापसंद भी कर सकते हैं और साथ में हम जानेंगे यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप हुई थी और इसके स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर भी है दोस्तों चलिए बात करते हैं वैद्य मूवी के बारे में इस मूवी को तीस दिसंबर दो में रिलीज की गई थी और इसके स्टार कास्ट में रितेश देशमुख गिनीलिया जिया शंकर और सलमान खान जैसे कलाकार आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर मेरी तरफ आपके फेवरेट रितेश देशमुख और सलमान खान है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना और साथ ही साथ मूवी के रिलेटेड जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों बात करते हैं वेद मूवी के के स्टोरी बारे में तो इस मूवी में दिखाया जाएगा एक उदास शराबी शराबी होता है लेकिन उस को मुक्ति तब मिलती है जब उसे पहले की प्रेमी की अनाथ बेटी उसके साथ रहने का फैसला करती है हालांकि युवा लड़की उसे गोद लेने के लिए एक शर्त रखती है आगे आपको इस मूवी में दिखाया जाएगा कि क्या होता है और कैसे वो शराबी शराब से मुक्त होता है दोस्तों यह रितेश देशमुख की काफी कमाल की मूवी है और इस मूवी के डायरेक्टर क्टर रितेश देशमुख देशमुखी है दोस्तों बात करते हैं यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप फिर हम आगे जानेंगे आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं दोस्तों वेद मूवी को बनाने में लगभग पंद्रह करोड़ की बजट लग गई थी लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी कमाल का, का कलेक्शन किया है इस मूवी ने लगभग पचहत्तर करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है इससे हमें यह पता चलता है यह मूवी दो की एक सुपर हिट मूवी लिस्ट में शामिल हुई अब बात करें इसके आई रेटिंग के बारे में इस मूवी को दस में ऐसी लगभग सात की रेटिंग मिली है जो की काफी कमाल की एम रेटिंग मानी जाती है और साथ ही साथ इस से नाइन्टी परसेंट गूगल यूजर ही पसंद करते हैं दोस्तों विद मूवी में ड्रामा एक्शन रोमांस तीनों आपको एक साथ देखने को मिलेगा और बात करें इसके ड्यूरेशन की तो इस मूवी की ड्यूरेशन दो घंटे अट्ठाईस मिनट की है चलिए दोस्तों बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो उन्हें मैं बता दो यह मूवी अभी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं उनको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ही यह मूवी को यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस मूवी का लिंक एड कर दूंगा बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को एच क्वालिटी में ऑफिशियल तरीके से ओडीटी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं तो उनके लिए खुशी की बात है कि इस मूवी को डिजनी हॉटस्टार पर रिलीज कर दिया गया है आप वहाँ जाके इस मूवी को एंजॉय ले सकते हैं चलिए दोस्तों 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 आज के लिए हैं। हैं तो के लिए लिए इतना ही रखते हैं 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 मिलते अगले वीडियो में तब तक धन्यवाद नमस्कार दोस्तो। दोस्तो अगर आप विद मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं, तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो बिल्कुल फ्री में दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा विद मूवी के बारे में बात कर लेते हैं आखिरकार ये मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को ये मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इसे नापसंद भी कर सकते हैं और साथ में हम जानेंगे मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप हुई थी और इसके स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर भी हैं दोस्तों चलिए बात करते हैं वेद मूवी के बारे में इस मूवी को 30 दिसंबर 2022 में रिलीज की गई थी और इसके स्टार कास्ट में रितेश देशमुख जिया शंकर और सलमान खान जैसे कलाकार आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर मेरी तरफ आपके फेवरेट रितेश देशमुख और सलमान खान है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना और साथ ही साथ मूवी के रिलेटेड जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों बात करते हैं वेद मूवी के स्टोरी के बारे में तो इस मूवी में दिखाया जाएगा एक उदास शराबी होता है लेकिन उस शराबी को मुक्ति तब मिलती है जब उसे पहले की प्रेमी की अनाथ बेटी उसके साथ रहने का फैसला करती है हालांकि युवा लड़की उसे गोद लेने के लिए एक शर्त रखती है आगे आपको इस मूवी में दिखाया जाएगा कि क्या होता है और कैसे वो शराबी शराब सराद से मुक्त होता है दोस्तों यह रितेश देशमुख की काफी कमाल की मूवी है और इस मूवी के डायरेक्टर भी रितेश देशमुख ही है दोस्तों बात करते हैं मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप फिर हम आगे जानेंगे आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं दोस्तों वेद मूवी को बनाने में लगभग पंद्रह करोड़ की बजट लग गई थी लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी कमाल का कलेक्शन किया है इस मूवी ने लगभग पचहत्तर करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है इससे हमें यह पता चलता है यह मूवी दो की एक सुपर हिट मूवी लिस्ट में शामिल हुई अब बात करके आई एम रेटिंग के बारे में इस मूवी को दस में से लगभग सात की रेटिंग मिली है जो की काफी कमाल की आई रेटिंग मानी जाती है और साथ ही साथ इसे नाइन्टी गूगल यूजर भी पसंद करते हैं दोस्तों विद मूवी में ड्रामा एक्शन रोमांस तीनों आपको एक साथ देखने को मिलेगा और बात करें इसके ड्यूरेशन की तो इस मूवी की ड्यूरेशन दो घंटे अट्ठाईस मिनट की है चलिए दोस्तों बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो उन्हें मैं बता दो यह मूवी अभी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं उनको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ही यह मूवी को यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस मूवी का लिंक एड कर दूंगा अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को एच क्वालिटी में ऑफिशियल तरीके ऐसी ओडीटी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं तो उनके लिए खुशी की बात है की इस मूवी को डिजनी हॉटस्टार रिलीज कर दिया गया है आप वहाँ जाके इस मूवी का एंजॉय ले सकते हैं चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप वेद मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे आप इस मूवी को कहा और कैसे देख सकते हैं वो बिल्कुल फ्री में दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा वेद मूवी के बारे में बात कर लेते हैं आखिरकार ये मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को ये मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इसे नापसंद भी कर सकते हैं और साथ में हम जानेंगे यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप हुई थी और इसके स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर भी है दोस्तों चलिए बात करते हैं वेद मूवी के बारे में इस मूवी को तीस दिसंबर दो में रिलीज की गई थी और इसके स्टार कास्ट में रितेश देशमुख गिन जिया शंकर और सलमान खान जैसे कलाकार आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर मेरी तरफ आपके फेवरेट रितेश देशमुख और सलमान खान है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना और साथ ही साथ मूवी के रिलेटेड जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों बात करते हैं वेद मूवी के स्टोरी के बारे में तो इस मूवी में दिखाया जाएगा एक उदास शराबी होता है लेकिन उस शराबी को मुक्ति तब मिलती है जब उसे पहले की प्रेमी की अनाथ बेटी उसके साथ रहने का फैसला करती है हालांकि युवा लड़की उसे गोद ले के लिए एक शर्त रखती है आगे आपको इस मूवी में दिखाया जाएगा की क्या होता है और कैसे वो शराबी शराब ऐसी मुक्त होता है दोस्तों यह रितेश देशमुख की काफी कमाल की मूवी है और इस मूवी के डायरेक्टर भी रितेश देशमुख ही है यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप। फिर फ्लॉप हम आगे जानेंगे आप इस मूवी को कहा और कैसे देख सकते हैं दोस्तों वेद मूवी को बनाने में लगभग 15 करोड़ की बजट लग गई थी लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी कमाल का कलेक्शन किया है इस मूवी ने लगभग पचहत्तर करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है इससे हमें यह पता चलता है यह मूवी दो की एक सुपर हिट मूवी लिस्ट में शामिल हुई अब बात करें इसके करीएम रेटिंग के बारे में इस मूवी को दस में से लगभग सात की रेटिंग मिली है जो की रेटिंग मानी जाती है और साथ साथ ही इसे गूगल यूजर भी पसंद करते हैं दोस्तों विद मूवी में ड्रामा एक्शन रोमांस तीनों आपको एक साथ देखने को मिलेगा और बात करें इसके ड्यूरेशन की तो इस मूवी की ड्यूरेशन दो घंटे अट्ठाईस मिनट की है चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो उन्हें मैं बता दूं यह मूवी अभी यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं उनको भरोसा दिलाता हूँ जैसे ही यह मूवी को यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस मूवी का लिंक एड कर दूंगा बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को एच क्वालिटी में ऑफिशियल तरीके से ओडीटी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं तो उनके लिए खुशी की बात है कि इस मूवी को डिजनी हॉट रिलीज कर दिया गया है आप वहाँ जाके इस मूवी को एंजॉय ले सकते हैं चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप वेद मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो बिल्कुल फ्री में दोस्तों तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा वैद्य मूवी के बारे में बात कर लेते हैं आखिरकार ये मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को ये मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इसे नापसंद भी कर सकते हैं और साथ में हम जानेंगे यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप हुई थी और इसके स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर भी है दोस्तों चलिए बात करते हैं वैद्य मूवी के बारे में इस मूवी को तीस दिसंबर दो में रिलीज की गई थी और इसके स्टार कास्ट में रितेश देशमुख गिनीलिया जिया शंकर और सलमान खान जैसे कलाकार आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर मेरी तरफ आपके फेवरेट रितेश देशमुख और सलमान खान तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना और साथ ही साथ मूवी के रिलेटेड जानकारी के लिए हमें मिलती है जब उसे पहले की की बेटी उसके साथ रहने का फैसला करती है हालांकि युवा लड़की उसे गोद लेने के लिए एक शर्त रखती है आगे आपको इस मूवी में दिखाया जाएगा कि क्या होता है और कैसे वो शराबी शराब से मुक्त होता है दोस्तों यह रितेश देशमुख काफी कमाल की मूवी है और इस मूवी के डायरेक्टर रितेश देशमुखी है दोस्तों बात करते हैं यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप फिर हम आगे जानेंगे आप इस मूवी को कहा और कैसे देख सकते हैं दोस्तों वेद मूवी को बनाने में लगभग पंद्रह करोड़ की बजट लग गई थी लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी कमाल का कलेक्शन किया है इस मूवी ने लगभग पचहत्तर करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है इससे हमें यह पता चलता है यह मूवी दो की एक सुपर हिट मूवी लिस्ट में शामिल हुई अब बात करें इसके आई रेटिंग के बारे में इस मूवी को दस में से लगभग सात की रेटिंग मिली है जो की काफी कमाल की आएम रेटिंग मानी जाती है और साथ साथ इसे नाइन्टी गूगल यूजर भी पसंद करते हैं दोस्तों विद मूवी में ड्रामा एक्शन रोमांस तीनों आपको एक साथ देखने को मिलेगा और बात करें इसके ड्यूरेशन की तो इस मूवी की ड्यूरेशन दो घंटे अट्ठाईस मिनट की है चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो उन्हें मैं बता दूं यह मूवी अभी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं उनको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ही यह मूवी को यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस मूवी का लिंक एड कर दूंगा बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी एच डी क्वालिटी में ऑफिशियल तरीके से ऑडिटी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं तो उनके लिए खुशी की बात है कि इस मूवी को डिजनी हॉटस्टार पर रिलीज कर दिया गया है आप वहाँ जाके इस मूवी को एंजॉय ले सकते हैं चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तो तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप वैद्य मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो बिल्कुल फ्री में दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा वैद्य मूवी के बारे में बात कर लेते हैं आखिरकार ये मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को ये मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इसे नापसंद भी कर सकते हैं और साथ में हम जानेंगे कि यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप हुई थी और इसके स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर भी हैं दोस्तों चलिए बात करते हैं वेद मूवी के बारे में इस मूवी को 30 दिसंबर 2022 में रिलीज की गई थी और इसके स्टार कास्ट में रितेश देशमुख जिया शंकर और सलमान खान जैसे कलाकार आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर मेरी तरह आपके फेवरेट रितेश देशमुख और सलमान खान है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना और साथ ही साथ मूवी के रिलेटेड जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों बात करते हैं वेद मूवी के स्टोरी के बारे में तो इस मूवी में दिखाया जाएगा एक उदार शराबी होता है लेकिन उस शराबी को मुक्ति तब मिलती है जब उसे पहले की प्रेमी की अनाथ बेटी उसके साथ रहने का फैसला करती है हालांकि युवा लड़की उसे गोद लेने के लिए एक शर्त रखती है आगे आपको इस मूवी में दिखाया जाएगा कि क्या होता है और कैसे वो शराबी शराब सराव से मुक्त होता है दोस्तों यह रितेश देशमुख की काफी कमाल की मूवी है और इस मूवी के डायरेक्टर भी रितेश देशमुख ही है दोस्तों बात करते हैं यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप फिर हम आगे जानेंगे आप इस मूवी को कहा और कैसे देख सकते हैं दोस्तों वेद मूवी को बनाने में लगभग पंद्रह करोड़ की बजट लग गई थी लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी कमाल का कलेक्शन किया है इस मूवी ने लगभग पचहत्तर करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है इससे हमें यह पता चलता मूवी दो हजार बाईस की एक सुपर हिट मूवी लिस्ट में शामिल हुई अब बात करें इसके IMDb रेटिंग के बारे में इस मूवी को दस में से लगभग सात की रेटिंग मिली है जो की काफी कमाल की आई रेटिंग मानी जाती है और साथ ही साथ इसे नाइन्टी गूगल यूजर भी पसंद करते हैं दोस्तों विद मूवी में ड्रामा एक्शन रोमांस तीनों आपको एक साथ देखने को मिलेगा और बात करें इसके ड्यूरेशन की तो इस मूवी की ड्यूरेशन दो घंटे अट्ठाईस मिनट की है चलिए दोस्तों बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो उन्हें मैं बता यह मूवी अभी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं उनको भरोसा दिलाता हूँ कि अपलोड किया जाएगा तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस मूवी का लिंक एड कर दूंगा अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को एच क्वालिटी में ऑफिशियल तरीके ऐसी ओडीटी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं तो उनके लिए खुशी की बात है की इस मूवी को डिजनी हॉटस्टार रिलीज कर दिया गया है आप वहाँ जाके इस मूवी का एंजॉय ले सकते हैं चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप वेद मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो बिल्कुल फ्री में दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा वेद मूवी के बारे में बात कर लेते हैं आखिरकार ये मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को ये मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इसे नापसंद भी कर सकते हैं और साथ में हम जानेंगे यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप हुई थी और इसके स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर भी हैं दोस्तों चलिए बात करते हैं वेद मूवी के बारे में इस मूवी को 30 दिसंबर 2022 में रिलीज की गई थी और इसके स्टार कास्ट में रितेश देशमुख जिया शंकर और सलमान खान जैसे कलाकार आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर मेरी तरह आपके फेवरेट रितेश देशमुख और सलमान खान है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना और साथ ही साथ मूवी के रिलेटेड जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों बात करते हैं वेद मूवी के स्टोरी के बारे में तो इस मूवी में दिखाया जाएगा एक उदास शराबी होता है लेकिन उस शराबी को मुक्ति तब मिलती है जब उसे पहले की प्रेमी की अनाथ बेटी उसके साथ रहने का फैसला करती है हालांकि युवा लड़की उसे गोद लेने के लिए एक शर्त रखती है आगे आपको इस मूवी में दिखाया जाएगा की क्या होता है और कैसे वो शराबी शराब ऐसी मुक्त होता है दोस्तों यह रितेश देशमुख की काफी कमाल की मूवी है और इस मूवी के डायरेक्टर भी रितेश देशमुख ही है दोस्तों बात करते हैं यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप फिर हम आगे जानेंगे आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं दोस्तों वेद मूवी को बनाने में लगभग पंद्रह करोड़ की बजट लग गई थी लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी कमाल का कलेक्शन किया है इस मूवी ने लगभग पचहत्तर करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है इससे हमें यह पता चलता है यह मूवी दो की एक सुपर हिट मूवी लिस्ट में शामिल हुई अब बात करें इसके IMDb रेटिंग के बारे में इस मूवी को दस में से लगभग सात की रेटिंग मिली है जो की काफी यूजर भी पसंद करते हैं दोस्तों विद मूवी में ड्रामा एक्शन रोमांस तीनों आपको एक साथ देखने को मिलेगा और बात करें इसके ड्यूरेशन की तो इस मूवी की ड्यूरेशन दो घंटे अट्ठाईस मिनट की है चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो उन्हें मैं बता दूं यह मूवी अभी यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं उनको भरोसा दिलाती हूँ की जैसे ही मूवी को यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस मूवी का लिंक एड कर दूंगा बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को एच क्वालिटी में ऑफिशियल तरीके से ओडीटी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं तो उनके लिए खुशी की बात है कि इस मूवी को डिजनी हॉटस्टार रिलीज कर दिया गया है आप वहां जाके इस मूवी को एंजॉय ले सकते हैं चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप वेद मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे आप इस मूवी को कहा और कैसे देख सकते हैं वो बिल्कुल फ्री में दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा वेद मूवी के बारे में बात कर लेते हैं आखिरकार ये मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को ये मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इसे नापसंद भी कर सकते हैं और साथ में हम जानेंगे यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप हुई थी और इसके स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर भी है दोस्तों चलिए बात करते हैं वेद मूवी के बारे में इस मूवी को तीस दिसंबर दो में रिलीज की गई थी और इसके स्टार कास्ट में रितेश देशमुख गिनीलिया जिया शंकर और सलमान खान जैसे कलाकार आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर मेरी तरफ आपके भी फेवरेट रितेश देशमुख और सलमान खाना है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना और साथ ही साथ मूवी के रिलेटेड जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों बात करते हैं मूवी मूवी के के स्टोरी बारे में में तो इस दिखाया जाएगा एक उदास शराबी शराबी होता है है लेकिन उस को मुक्ति तब मिलती है जब उसे पहले की प्रेमी की अनाथ बेटी उसके साथ रहने का फैसला करती है हालांकि युवा लड़की उसे गोद लेने के लिए एक शर्त रखती है आगे आपको इस मूवी में दिखाया जाएगा कि क्या होता है और कैसे वो शराबी शराब से मुक्त होता है दोस्तों यह रितेश देशमुख की काफी कमाल की मूवी है और इस मूवी के डायरेक्टर रितेश देशमुखी है दोस्तों बात करते हैं यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप फिर हम आगे जानेंगे आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं दोस्तों वेद मूवी को बनाने में लगभग पंद्रह करोड़ की बजट लग गई थी लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी कमाल का कलेक्शन किया है इस मूवी ने लगभग पचहत्तर करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है इससे हमें यह पता चलता है यह मूवी दो की एक सुपर हिट मूवी लिस्ट में शामिल हुई अब बात करें इसके आई रेटिंग के बारे में इस मूवी को दस में से लगभग सात की रेटिंग मिली है जो की काफी कमाल की आई रेटिंग मानी जाती है और साथ ही साथ इसे नाइन्टी गूगल यूजर भी पसंद करते हैं दोस्तों मूवी में ड्रामा एक्शन रोमांस तीनों आपको एक साथ देखने को मिलेगा और बात करें इसके ड्यूरेशन की तो इस मूवी की की ड्यूरेशन घंटे मिनट है चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो उन्हें मैं बता दो यह मूवी अभी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं उनको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ही यह मूवी को यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस मूवी का लिंक एड कर दूंगा बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को एच क्वालिटी में ऑफिशियल तरीके से प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं तो उनके लिए खुशी की बात है कि इस मूवी को डिजनी हॉटस्टार रिलीज कर दिया गया है आप वहाँ जाके इस मूवी को एंजॉय ले सकते हैं चलिए दोस्तों 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 आज के लिए हैं। हैं तो के लिए लिए इतना ही रखते हैं 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 मिलते अगले वीडियो में तब तक धन्यवाद नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, अगर आप मूवी देखना चाहते और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो बिल्कुल फ्री में दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा वैद्य मूवी के बारे में बात कर लेते हैं आखिरकार ये मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को ये मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इसे नापसंद भी कर सकते हैं और साथ में जानेंगे यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप हुई थी और इसके स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर भी हैं दोस्तों चलिए बात करते हैं वेद मूवी के बारे में इस मूवी को 30 दिसंबर 2022 में रिलीज की गई थी और इसके स्टार कास्ट में रितेश देशमुख जिया शंकर और सलमान खान जैसे कलाकार आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर मेरी तरह आपके फेवरेट रितेश देशमुख और सलमान खान है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना और साथ ही साथ मूवी के रिलेटेड जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों बात करते हैं वेद मूवी के स्टोरी के बारे में तो इस मूवी में दिखाया जाएगा एक उदास शराबी होता है लेकिन उस शराबी को मुक्ति तब मिलती है जब उसे पहले की प्रेमी की अनाथ बेटी उसके साथ रहने का फैसला करती है हालांकि युवा लड़की उसे गोद लेने के लिए एक शर्त रखती है आगे आपको इस मूवी में दिखाया जाएगा कि क्या होता है और कैसे वो शराबी शराब सराव से मुक्त होता है दोस्तों यह रितेश देशमुख की काफी कमाल की मूवी है और इस मूवी के डायरेक्टर भी रितेश देशमुख ही है दोस्तों बात करते हैं यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप फिर हम आगे जानेंगे आप इस मूवी को कहा और कैसे देख सकते हैं दोस्तों वैद मूवी को बनाने में लगभग पंद्रह करोड़ की बजट लग गई थी लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी कमाल का कलेक्शन किया है इस मूवी ने लगभग पचहत्तर करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है इससे हमें यह पता चलता मूवी दो हजार बाईस की एक सुपर हिट मूवी लिस्ट में शामिल हुई अब बात करें इसके IMDb रेटिंग के बारे में इस मूवी को दस में से लगभग सात की रेटिंग मिली है जो की काफी कमाल की आई रेटिंग मानी जाती है और साथ ही साथ इसे नाइन्टी गूगल यूजर भी पसंद करते हैं दोस्तों विद मूवी में ड्रामा एक्शन रोमांस तीनों आपको एक साथ देखने को मिलेगा और बात करें इसके ड्यूरेशन की तो इस मूवी ड्यूरेशन दो घंटे अट्ठाईस मिनट की है चलिए दोस्तों बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो उन्हें मैं बता दो यह मूवी अभी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं उनको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ही यह मूवी को यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस मूवी का लिंक एड कर दूंगा अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को एच क्वालिटी में ऑफिशियल तरीके ऐसी ओडिटी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं तो उनके लिए खुशी की बात है की इस मूवी को डिजनी हॉटस्टार रिलीज कर दिया गया है आप वहाँ जाके इस मूवी का एंजॉय ले सकते हैं चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप वेद मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो बिल्कुल फ्री में दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा वेद मूवी के बारे में बात कर लेते हैं आखिरकार कैसी है मतलब किन किन लोगों को ये मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इसे नापसंद भी कर सकते हैं और साथ में हम जानेंगे यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप हुई थी और इसके स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर भी है दोस्तों चलिए बात करते हैं वेद मूवी के बारे में इस मूवी को तीस दिसंबर दो में रिलीज की गई थी और इसके स्टार कास्ट में रितेश देशमुख गिन जिया शंकर और सलमान खान जैसे कलाकार आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर मेरी तरह आपके भी फेवरेट रितेश देशमुख और सलमान खान है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना और साथ ही साथ मूवी के रिलेटेड जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों बात करते हैं वेद मूवी के स्टोरी के बारे में तो इस मूवी में दिखाया जाएगा एक उदास शराबी होता है लेकिन उस शराबी को मुक्ति तब मिलती है जब उसे पहले की प्रेमी की अनाथ बेटी उसके साथ रहने का फैसला करती है हालांकि युवा लड़की उसे गोद लेने के लिए एक शर्त रखती है आगे आपको इस मूवी में दिखाया जाएगा की क्या होता है और कैसे वो शराबी शराब ऐसी मुक्त होता है दोस्तों यह रितेश देशमुख की काफी कमाल की मूवी है और इस मूवी के डायरेक्टर भी रितेश देशमुख ही है दोस्तों बात करते हैं मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप फिर हम आगे जानेंगे आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं दोस्तों वेद मूवी को बनाने में लगभग पंद्रह करोड़ की बजट लग गई थी लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी कमाल का कलेक्शन किया है इस मूवी ने लगभग पचहत्तर करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है इससे हमें यह पता चलता है यह मूवी दो की एक सुपर हिट मूवी लिस्ट में शामिल हुई अब बात करें इसके IMDb रेटिंग के बारे में इस मूवी को दस में से लगभग सात की रेटिंग मिली है जो की काफी कमाल की आई रेटिंग मानी जाती है और साथ ही साथ इसे नाइन्टी गूगल यूजर भी पसंद करते हैं दोस्तों विद मूवी में ड्रामा एक्शन रोमांस तीनों आपको एक साथ देखने को मिलेगा और बात करें इसके ड्यूरेशन की तो इस मूवी की ड्यूरेशन दो घंटे अट्ठाईस मिनट की है चलिए दोस्तों बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो उन्हें मैं बता दूं यह मूवी अभी यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं उनको भरोसा दिलाता हूँ कि जैसे ही यह मूवी को यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस मूवी का लिंक एड कर दूंगा बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को एच क्वालिटी में ऑफिशियल तरीके ऐसी देखना चाहते हैं तो उनके लिए खुशी की बात है कि इस मूवी को डिजनी हॉट रिलीज कर दिया गया है आप वहाँ जाके इस मूवी को एंजॉय ले सकते हैं चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप वेद मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे आप इस मूवी को कहा और कैसे देख सकते हैं वो बिल्कुल फ्री में दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा वेद मूवी के बारे में बात कर लेते हैं आखिरकार ये मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इसे नापसंद भी कर सकते हैं और साथ में हम जानेंगे यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप हुई थी और इसके स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर भी है दोस्तों चलिए बात करते हैं वेद मूवी के बारे में इस मूवी को तीस दिसंबर दो में रिलीज की गई थी और इसके स्टार कास्ट में रितेश देशमुख गिनीलिया जिया शंकर और सलमान खान जैसे कलाकार आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर मेरी तरफ आपके फेवरेट रितेश देशमुख और सलमान खान है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना और साथ ही साथ मूवी के रिलेटेड जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों बात करते हैं मूवी के के स्टोरी बारे में तो इस मूवी में दिखाया जाएगा एक उदास शराबी होता है लेकिन उस शराबी को मुक्ति तब मिलती है जब उसे पहले की प्रेमी की अनाथ बेटी उसके साथ रहने का फैसला करती है हालांकि युवा लड़की उसे गोद लेने के लिए एक शर्त रखती है आगे आपको इस मूवी में दिखाया जाएगा की क्या होता है और कैसे वो शराबी शराब ऐसी मुक्त होता है दोस्तों यह रितेश देशमुख की काफी कमाल की मूवी है और इस मूवी के डायरेक्टर रितेश देशमुखी है दोस्तों बात करते हैं यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप फिर हम आगे जानेंगे आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं दोस्तों वेद मूवी को बनाने में लगभग पंद्रह करोड़ की बजट लग गई थी लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी कमाल का कलेक्शन किया है इस मूवी ने लगभग पचहत्तर करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है इससे हमें यह पता चलता है यह मूवी दो की एक सुपर हिट मूवी लिस्ट में शामिल हुई अब बात करें इसके आई रेटिंग के बारे में इस मूवी को दस में से लगभग सात की रेटिंग मिली है जो की काफी कमाल की आई रेटिंग मानी जाती है और साथ ही साथ इसे नाइन्टी गूगल यूजर भी पसंद करते हैं दोस्तों विद मूवी में ड्रामा एक्शन रोमांस तीनों आपको एक साथ देखने को मिलेगा और बात करें इसके ड्यूरेशन की तो इस मूवी की ड्यूरेशन दो घंटे अट्ठाईस मिनट की है चलिए दोस्तों बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो उन्हें मैं बता दूं यह मूवी अभी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं उनको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ही यह मूवी को यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस मूवी का लिंक एड कर दूंगा बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को एच क्वालिटी में ऑफिशियल तरीके ऐसी

में हम जानेंगे यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप हुई थी और इसके स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर भी हैं दोस्तों चलिए बात करते हैं वेद मूवी के बारे में इस मूवी को 30 दिसंबर 2022 में रिलीज की गई थी और इसके स्टार कास्ट में रितेश देशमुख गिन जिया शंकर और सलमान खान जैसे कलाकार आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर मेरी तरह आपके फेवरेट रितेश देशमुख और सलमान खान है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना और साथ ही साथ मूवी के रिलेटेड जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों बात करते हैं वेद मूवी के स्टोरी के बारे में तो इस मूवी में दिखाया जाएगा एक उदास शराबी होता है लेकिन उस शराबी को मुक्ति तब मिलती है जब उसे पहले की प्रेमी की अनाथ बेटी उसके साथ रहने का फैसला करती है हालांकि युवा लड़की उसे गोद लेने के लिए एक शर्त रखती है आगे आपको इस मूवी में दिखाया जाएगा कि क्या होता है और कैसे वो शराबी शराब सराव से मुक्त होता है दोस्तों यह रितेश देशमुख की काफी कमाल की मूवी है और इस मूवी के डायरेक्टर भी रितेश देशमुख ही है दोस्तों बात करते यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप फिर हम आगे जानेंगे आप इस मूवी को कहा और कैसे देख सकते हैं दोस्तों वेद मूवी को बनाने में लगभग पंद्रह करोड़ की बजट लग गई थी लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी कमाल का कलेक्शन किया है इस मूवी ने लगभग पचहत्तर करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है इससे हमें यह पता चलता है यह मूवी दो की एक सुपर हिट मूवी लिस्ट में शामिल हुई अब बात करें इसके आई रेटिंग के बारे में इस मूवी को दस में से लगभग सात की रेटिंग मिली है जो की काफी कमाल की आई रेटिंग मानी जाती है और साथ ही साथ इसे नाइन्टी गूगल यूजर भी पसंद करते हैं दोस्तों विद मूवी में ड्रामा एक्शन रोमांस तीनों आपको एक साथ देखने को मिलेगा और बात करें इसके ड्यूरेशन की तो इस मूवी ड्यूरेशन दो घंटे अट्ठाईस मिनट की है चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो उन्हें मैं बता दो यह मूवी अभी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं उनको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ही यह मूवी को यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस मूवी का लिंक एड कर दूंगा बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को एच क्वालिटी में ऑफिशियल तरीके ऐसी ओडिटी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं तो उनके लिए खुशी की बात है की इस मूवी को डिजनी हॉटस्टार रिलीज कर दिया गया है आप वहाँ जाके इस मूवी का एंजॉय ले सकते हैं चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगले वीडियो तो तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप वेद मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ़ ढूंढ़ कर थक चुके हैं, तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे आप इस मूवी को कहाँ देख सकते हैं, हैं। आखिरकार कैसी है मतलब किन किन लोगों को नापसंद भी कर सकते हैं और साथ में हम जानेंगे यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप हुई थी और इसके कास्ट में कौन कौन से एक्टर भी है दोस्तों चलिए बात करते हैं वेद मूवी के बारे में इस मूवी को तीस दिसंबर दो रिलीज की गई थी और इसके स्टार कास्ट में रितेश देशमुख जिया शंकर और सलमान खान जैसे कलाकार आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर मेरी तरफ फेवरेट रितेश देशमुख और सलमान खान है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना और साथ ही साथ मूवी के रिलेटेड जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों बात करते हैं वेद मूवी के स्टोरी के बारे में तो इस मूवी में दिखाया जाएगा एक उदास शराबी होता है लेकिन उस शराबी को मुक्ति तब मिलती है जब उसे पहले की प्रेमी की अनाथ बेटी उसके साथ रहने का फैसला करती है हालांकि युवा लड़की उसे गोद लेने के लिए एक शर्त रखती है आगे आपको इस मूवी में दिखाया जाएगा की क्या होता है और कैसे वो शराबी शराब ऐसी मुक्त होता है दोस्तों यह रितेश देशमुख काफी कमाल की मूवी है और इस मूवी के डायरेक्टर भी रितेश देशमुख ही है दोस्तों बात करते हैं मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप फिर हम आगे जानेंगे आप इस मूवी को कहा और कैसे देख सकते हैं दोस्तों वेद मूवी को बनाने में लगभग 15 करोड़ की बजट लग गई थी लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी कमाल का कलेक्शन किया है इस मूवी ने लगभग पचहत्तर करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है इससे हमें यह पता चलता है यह मूवी दो बाईस की एक सुपर हिट मूवी लिस्ट में शामिल हुई अब बात करें इसके आई एम डीवी रेटिंग के बारे में इस मूवी को 10 में से लगभग 7.5 की रेटिंग मिली है जो कि काफी कमाल की आई एम डीवी रेटिंग मानी जाती है और साथ ही साथ इसे 95 फाइव परसेंट गूगल यूजर भी पसंद करते हैं दोस्तों विद मूवी में ड्रामा एक्शन रोमांस तीनों आपको एक साथ देखने को मिलेगा और बात करें इसके ड्यूरेशन की तो इस मूवी की ड्यूरेशन दो घंटे अट्ठाईस मिनट की है चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो उन्हें मैं बता दो यह मूवी अभी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं तो भरोसा दिलाता हूँ कि जैसे ही मूवी को YouTube पे अपलोड किया जाएगा तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस मूवी का लिंक ऐड कर दूंगा बात करते हैं उन आप वहाँ जाके इस मूवी को एंजॉय ले सकते हैं चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप वेद मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो बिल्कुल फ्री में दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा वेद मूवी के बारे में बात कर लेते हैं आखिरकार ये मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इसे नापसंद भी कर सकते हैं और साथ में हम जानेंगे यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप हुई थी और इसके स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर भी है दोस्तों चलिए बात करते हैं वेद मूवी के बारे में इस मूवी को तीस दिसंबर दो में रिलीज की गई थी और इसके स्टार कास्ट में रितेश देशमुख गिन जिया शंकर और सलमान खान जैसे कलाकार आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर मेरी तरफ आपके फेवरेट रितेश देशमुख और सलमान खान है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना और साथ ही साथ मूवी के रिलेटेड जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों बात करते हैं विद मूवी के स्टोरी के बारे में तो इस मूवी में दिखाया जाएगा एक उदास शराबी होता है लेकिन उस शराबी को मुक्ति तब मिलती है जब उसे पहले की प्रेमी की अनाथ बेटी उसके साथ रहने का फैसला करती है हालांकि युवा लड़की उसे गोद लेने के लिए एक शर्त रखती है आगे आपको इस मूवी में दिखाया जाएगा कि क्या होता है और कैसे वो शराबी शराब से मुक्त होता है दोस्तों यह रितेश देशमुख की काफी कमाल की मूवी है और इस मूवी के डायरेक्टर भी रितेश देशमुखी है दोस्तों बात करते हैं यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप फिर हम आगे जानेंगे आप इस मूवी को कहा और कैसे देख सकते हैं दोस्तों वेद मूवी को बनाने में लगभग पंद्रह करोड़ की बजट लग गई थी लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी कमाल का कलेक्शन किया है इस मूवी ने लगभग पचहत्तर करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है इससे हमें यह पता चलता है यह मूवी दो की एक सुपर हिट मूवी लिस्ट में शामिल हुई अब बात करें इसके आई रेटिंग के बारे में इस मूवी को दस में से लगभग सात की रेटिंग मिली है जो की काफी कमाल की आई एम रेटिंग मानी जाती है और साथ ही साथ इसे नाइन्टी गूगल यूजर भी पसंद करते हैं दोस्तों विद मूवी में ड्रामा एक्शन रोमांस तीनों आपको एक साथ देखने को मिलेगा और बात करें इसके ड्यूरेशन की तो इस मूवी की की ड्यूरेशन घंटे मिनट है चलिए दोस्तों बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो उन्हें मैं बता दू यह मूवी अभी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं उनको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ही यह मूवी को यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस मूवी का लिंक एड कर दूंगा बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को एच क्वालिटी में ऑफिशियल ऐसी ओडिटी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं तो उनके लिए खुशी की बात है कि इस मूवी को डिजनी हॉटस्टार स्टार रिलीज कर दिया गया है आप वहाँ जाके इस मूवी को एंजॉय ले सकते हैं चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तो तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप वेद मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो बिल्कुल फ्री में दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा वेद मूवी के बारे में बात कर लेते हैं आखिरकार ये मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को ये मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इसे नापसंद भी कर सकते हैं और साथ में हम जानेंगे यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप हुई थी और इसके स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर भी हैं दोस्तों चलिए बात करते हैं वेद मूवी के बारे में इस मूवी को 30 दिसंबर 2022 में रिलीज की गई थी और इसके स्टार कास्ट में रितेश देशमुख गिनीलिया जिया शंकर और सलमान खान जैसे कलाकार आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर मेरी तरफ आपके भी फेवरेट रितेश देशमुख और सलमान खान है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना और साथ ही साथ मूवी के रिलेटेड जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों बात करते हैं वेद मूवी के स्टोरी के बारे में तो इस मूवी में दिखाई जाएगा एक उदास शराबी होता है लेकिन उस शराबी को मुक्ति तब मिलती है जब उसे पहले की प्रेमी की अनाथ बेटी उसके साथ रहने का फैसला करती है हालांकि युवा लड़की उसे गोद लेने के लिए एक शर्त रखती है है आगे आपको इस मूवी में दिखाया जाएगा कि क्या होता है और कैसे वो शराबी शराब सराव ऐसी मुक्त होता है दोस्तों यह रितेश देशमुख की काफी कमाल की मूवी है और इस मूवी के डायरेक्टर भी रितेश देशमुख ही है दोस्तों बात करते हैं मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप फिर हम आगे जानेंगे आप इस मूवी को कहा और कैसे देख सकते हैं दोस्तों मूवी को बनाने में लगभग करोड़ की बजट लग गई थी लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी कमाल का कलेक्शन किया है इस मूवी ने लगभग पचहत्तर करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है इससे हमें यह पता चलता है यह मूवी दो की एक सुपर हिट मूवी लिस्ट में शामिल हुई अब बात करें इसके आई रेटिंग के बारे में इस मूवी को दस में से लगभग सात की रेटिंग मिली है जो की काफी कमाल की आई रेटिंग मानी जाती है और साथ ही साथ इसे नाइन्टी गूगल यूजर भी पसंद करते हैं दोस्तों विद मूवी में ड्रामा एक्शन रोमांस तीनों आपको एक साथ देखने को मिलेगा और बात करें इसके ड्यूरेशन की तो इस मूवी की ड्यूरेशन दो घंटे अट्ठाईस मिनट की है चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो उन्हें मैं बता दू यह मूवी अभी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं उनको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ही यह मूवी को यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस मूवी का लिंक एड कर दूंगा बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को एच क्वालिटी में ऑफिशियल तरीके से ओडीटी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं तो उनके लिए खुशी की बात है कि इस मूवी को डिजनी हॉटस्टार रिलीज कर दिया गया है आप वहां जाके इस मूवी का एंजॉय ले सकते हैं चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगले तो तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप वेद मूवी देखना चाहते हैं, और इसे धुन धुन कर थक चुके हैं तो आज हम फ्री में। दोस्तों मतलब किन किन लोगों ये मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इसे नापसंद भी कर सकते हैं और साथ में हम जानेंगे यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप हुई थी और इसके कास्ट में कौन कौन से एक्टर भी है दोस्तों चलिए बात करते हैं वेद मूवी के बारे में इस मूवी को तीस दिसंबर दो बाईस में रिलीज की गई थी और इसके स्टार कास्ट में रितेश देशमुख जिया शंकर और सलमान खान जैसे कलाकार आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर मेरी तरफ आपके फेवरेट रितेश देशमुख और सलमान खान है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना और साथ ही साथ मूवी के रिलेटेड जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों बात करते हैं वेद मूवी के स्टोरी के बारे में तो इस मूवी में दिखाया जाएगा एक उदास शराबी होता है लेकिन उस शराबी को मुक्ति तब मिलती है जब उसे पहले की प्रेमी की अनाथ बेटी उसके साथ रहने का फैसला करती है हालांकि युवा लड़की उसे गोद लेने के लिए एक शर्त रखती है आगे आपको इस मूवी में दिखाया जाएगा कि क्या होता है और कैसे वो शराबी शराब से मुक्त होता है दोस्तों यह रितेश देशमुख की काफी कमाल की मूवी है और इस मूवी के डायरेक्टर भी रितेश देशमुख ही है दोस्तों बात करते हैं मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप फिर हम आगे जानेंगे आप इस मूवी को कहा और कैसे देख सकते हैं दोस्तों वेद मूवी को बनाने में लगभग पंद्रह करोड़ की बजट लग गई थी लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी कमाल का कलेक्शन किया है इस मूवी ने लगभग पचहत्तर करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है इससे हमें यह पता चलता है यह मूवी 2022 की एक सुपर हिट मूवी लिस्ट में शामिल हुई अब बात करें इसके आई एम रेटिंग के बारे में इस मूवी को 10 में से लगभग 7.5 की रेटिंग मिली है जो कि काफी कमाल की आई एम रेटिंग मानी जाती है और साथ ही साथ इसे 95 परसेंट गूगल यूजर भी पसंद करते हैं दोस्तों विद मूवी में ड्रामा एक्शन रोमांस तीनों आपको एक साथ देखने को मिलेगा और बात करें इसके ड्यूरेशन की तो इस मूवी की ड्यूरेशन दो घंटे अट्ठाईस मिनट की है चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो उन्हें मैं बता दो यह मूवी अभी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं उनको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ही ये मूवी को यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस मूवी का लिंक एड कर दूंगा अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को एच क्वालिटी में ऑफिशियल तरीके से ओडिटी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं तो उनके लिए खुशी की बात है कि इस मूवी को डिजनी हॉटस्टार रिलीज कर दिया गया है आप वहां जाके इस मूवी का एंजॉय ले सकते हैं चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप वेद मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो बिल्कुल फ्री में दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा वेद मूवी के बारे में बात कर लेते हैं आखिरकार ये मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को ये मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इसे नापसंद भी कर सकते हैं और साथ में हम जानेंगे यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप हुई थी और इसके स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर भी है दोस्तों चलिए बात करते हैं वेद मूवी के बारे में इस मूवी को तीस दिसंबर दो में रिलीज की गई थी और इसके स्टार कास्ट में रितेश देशमुख गिन जिया शंकर और सलमान खान जैसे कलाकार आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर मेरी तरफ आपके फेवरेट रितेश देशमुख और सलमान खान है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना और साथ ही साथ मूवी के रिलेटेड जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों बात करते हैं मूवी स्टोरी के, के बारे में तो इस मूवी में दिखाया जाएगा एक उदास शराबी होता है लेकिन उस शराबी को मुक्ति तब मिलती है जब उसे पहले की प्रेमी की अनाथ बेटी उसके साथ रहने का फैसला करती है हालांकि युवा लड़की उसे गोद लेने के लिए एक शर्त रखती है आगे आपको इस मूवी में दिखाया जाएगा कि क्या होता है और कैसे वो शराबी शराब से मुक्त होता है दोस्तों यह रितेश देशमुख काफी कमाल की मूवी है और इस मूवी के डायरेक्टर भी रितेश देशमुखी है दोस्तों बात करते हैं यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप फिर हम आगे जानेंगे आप इस मूवी को कहा और कैसे देख सकते हैं दोस्तों वेद मूवी को बनाने में लगभग पंद्रह करोड़ की बजट लग गई थी लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी कमाल का, का कलेक्शन किया है इस मूवी ने लगभग पचहत्तर करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है इससे हमें यह पता चलता है यह मूवी दो की एक सुपर हिट मूवी लिस्ट में शामिल हुई अब बात करें इसके आई रेटिंग के बारे में इस मूवी को दस में से लगभग सात की रेटिंग मिली है जो की काफी कमाल की आई मानी जाती है और साथ ही साथ इसे 95 परसेंट गूगल यूजर ही पसंद करते हैं दोस्तों विद मूवी में ड्रामा एक्शन रोमांस तीनों आपको एक साथ देखने को मिलेगा और बात करें इसके ड्यूरेशन की तो इस मूवी की ड्यूरेशन दो घंटे अट्ठाईस मिनट की है चलिए दोस्तों बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो उन्हें मैं बता दो यह मूवी अभी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं उनको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ही यह मूवी को यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस मूवी का लिंक एड कर दूंगा बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को एच क्वालिटी में ऑफिस ऑफिशियल तरीके से ओडीटी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं तो उनके लिए खुशी की बात है कि इस मूवी को डिजनी हॉटस्टार रिलीज कर दिया गया है आप वहाँ जाके इस मूवी को एंजॉय ले सकते हैं चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तो तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप वैद्य मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो बिल्कुल फ्री में दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा वैद्य मूवी के बारे में बात कर लेते हैं आखिरकार ये मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को ये मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इसे नापसंद भी कर सकते हैं हैं और साथ में हम जानेंगे यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप हुई थी और इसके स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर भी है दोस्तों चलिए बात करते हैं वेद मूवी के बारे में इस मूवी को तीस दिसंबर दो में रिलीज की गई थी और इसके स्टार कास्ट में रितेश देशमुख जिया शंकर और सलमान खान जैसे कलाकार आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर मेरी तरफ आपके भी फेवरेट रितेश देशमुख और सलमान खान है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना और साथ ही साथ मूवी के रिलेटेड जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों बात करते हैं वेद मूवी के स्टोरी के बारे में तो इस मूवी में दिखाई दिखाया जाएगा एक उदास शराबी होता है लेकिन उस शराबी को मुक्ति तब मिलती है जब उसे पहले की प्रेमी की अनाथ बेटी उसके साथ रहने का फैसला करती है हालांकि युवा लड़की उसे गोद लेने के लिए एक शर्त रखती है आगे आपको इस मूवी में दिखाया जाएगा कि क्या होता है और कैसे वो शराबी शराब सराव से मुक्त होता है दोस्तों यह रितेश देशमुख की काफी कमाल की मूवी है और इस मूवी के डायरेक्टर भी रितेश देशमुख ही है दोस्तों बात करते हैं यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप फिर हम आगे जानेंगे आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं दोस्तों वेद मूवी को बनाने में लग लगभग पंद्रह करोड़ की बजट लग गई थी लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी कमाल का कलेक्शन किया है इस मूवी ने लगभग पचहत्तर करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है इससे हमें यह पता चलता मूवी दो हजार बाईस की एक सुपर हिट मूवी लिस्ट में शामिल हुई अब बात करें इसके आई रेटिंग के बारे में इस मूवी को दस में से लगभग सात की रेटिंग मिली है जो की काफी कमाल की आई रेटिंग मानी जाती है और साथ 95 ही साथ इसे नाइन्टी गूगल यूजर भी पसंद करते हैं दोस्तों विद मूवी में ड्रामा एक्शन रोमांस तीनों आपको एक साथ देखने को मिलेगा और बात करें इसके ड्यूरेशन की, तो इस मूवी की ड्यूरेशन दो घंटे अट्ठाईस मिनट की है चलिए दोस्तों बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो उन्हें मैं बता दू यह मूवी अभी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं उनको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ही यह मूवी को यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस मूवी का लिंक एड कर दूंगा बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को एच क्वालिटी में ऑफिशियल तरीके ऐसी ओडिटी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं उनके लिए खुशी की बात है की इस मूवी को डिजनी हॉटस्टार रिलीज कर दिया गया है आप वहां जाके इस मूवी को एंजॉय ले सकते हैं चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तो तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप वेद मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे आप इस मूवी को कहा और कैसे देख सकते हैं वो बिल्कुल फ्री में में दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा वेद मूवी मूवी के बारे बात कर लेते हैं आखिरकार ये कैसी है मतलब किन किन लोगों को ये मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इसे नापसंद भी कर सकते हैं और साथ में हम जानेंगे यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप हुई थी और इसके स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर भी है दोस्तों चलिए बात करते हैं वेद मूवी के बारे में इस मूवी को तीस दिसंबर दो 2022 में रिलीज की गई थी और इसके स्टार कास्ट में रितेश देशमुख जिया शंकर और सलमान खान जैसे कलाकार आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर मेरी तरफ आपके भी फेवरेट रितेश देशमुख और सलमान खान है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना और साथ ही साथ मूवी के रिलेटेड जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों बात करते हैं वेद मूवी के स्टोरी के बारे में तो इस मूवी में दिखाया जाएगा एक उदास शराबी होता है लेकिन उस शराबी को मुक्ति तब मिलती है जब उसे पहले की प्रेमी की अनाथ बेटी उसके साथ रहने का फैसला करती है हालांकि की युवा लड़की उसे गोद लेने के लिए एक शर्त रखती है आगे आपको इस मूवी में दिखाया जाएगा की क्या होता है और कैसे वो शराबी शराब ऐसी मुक्त होता है दोस्तों यह रितेश देशमुख की काफी कमाल की मूवी है और इस मूवी के डायरेक्टर भी रितेश देशमुख ही है दोस्तों बात करते हैं यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप फिर हम आगे जानेंगे आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं दोस्तों वेद मूवी को बनाने में लगभग 15 करोड़ की बजट लग गई थी लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी कमाल का कलेक्शन किया है इस मूवी ने लगभग पचहत्तर करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है इससे हमें यह पता चलता है यह मूवी दो हजार की एक सुपर हिट मूवी लिस्ट में शामिल हुई अब बात करें इसके आई रेटिंग के बारे में इस मूवी को दस में से लगभग सात की रेटिंग मिली है जो की काफी कमाल की आई रेटिंग मानी जाती है और साथ ही साथ इसे नाइन्टी गूगल यूजर भी पसंद करते हैं दोस्तों विद मूवी में ड्रामा एक्शन रोमांस तीनों आपको एक साथ देखने को मिलेगा और बात करें इसके ड्यूरेशन की तो इस मूवी की ड्यूरेशन दो घंटे अट्ठाईस मिनट की है चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो उन्हें मैं बता दूं यह मूवी अभी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं उनको भरोसा दिलाता हूँ कि जैसे ही यह मूवी को यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस मूवी का लिंक एड कर दूंगा अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को एच क्वालिटी में ऑफिशियल तरीके ऐसी ओडिटी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं तो उनके लिए खुशी की बात है की इस मूवी को डिजनी हॉटस्टार रिलीज कर दिया गया है आप वहाँ जाके इस मूवी का एंजॉय ले सकते हैं चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप वेद मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे आप इस मूवी को कहा और कैसे देख सकते हैं वो बिल्कुल फ्री में दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा वेद मूवी के बारे में बात कर लेते हैं आखिरकार कैसी है मतलब किन किन लोगों को ये मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इसे नापसंद भी कर सकते हैं और साथ में हम जानेंगे यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप हुई थी और इसके स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर भी है दोस्तों चलिए बात करते हैं वेद मूवी के बारे में इस मूवी को तीस दिसंबर दो में रिलीज की गई थी और इसके स्टार कास्ट में रितेश देशमुख गिन जिया शंकर और सलमान खान जैसे कलाकार आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर मेरी तरफ आपके फेवरेट रितेश देशमुख और सलमान खान है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना और साथ ही साथ मूवी के रिलेटेड जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों बात करते हैं वेद मूवी स्टोरी के, के बारे में तो इस मूवी में दिखाया जाएगा एक उदास शराबी होता है लेकिन उस शराबी को मुक्ति तब मिलती है जब उसे पहले की प्रेमी की अनाथ बेटी उसके साथ रहने का फैसला करती है हालांकि युवा लड़की उसे गोद लेने के लिए एक शर्त रखती है आगे आपको इस मूवी में दिखाया जाएगा कि क्या होता है और कैसे वो शराबी शराब से मुक्त होता है दोस्तों यह रितेश देशमुख की काफी कमाल की मूवी है और इस मूवी के डायरेक्टर भी रितेश देशमुखी है दोस्तों बात करते हैं यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप फिर हम आगे जानेंगे आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं दोस्तों वेद मूवी को बनाने में लगभग पंद्रह करोड़ की बजट लग गई थी लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी कमाल का, का कलेक्शन किया है इस मूवी ने लगभग पचहत्तर करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है इससे हमें यह पता चलता है यह मूवी दो की एक सुपर हिट मूवी लिस्ट में शामिल हुई अब बात करें इसके एम रेटिंग के बारे में इस मूवी को दस में से लगभग सात की रेटिंग मिली है जो की काफी कमाल के की एम रेटिंग मानी जाती है और साथ ही साथ इसे 95 परसेंट गूगल यूजर भी पसंद करते हैं दोस्तों विद मूवी में ड्रामा एक्शन रोमांस तीनों आपको एक साथ देखने को मिलेगा और बात करें इसके ड्यूरेशन की तो इस मूवी की ड्यूरेशन दो घंटे अट्ठाईस मिनट की है चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो उन्हें मैं बता दो यह मूवी अभी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं उनको भरोसा दिलाता हूँ जैसे ही यह मूवी को यूट्यूब अपलोड किया जाएगा तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस मूवी का लिंक एड कर दूंगा बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को एच क्वालिटी ऑफिशियल तरीके से ऐसी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं तो उनके लिए खुशी की बात है कि इस मूवी को डिजनी हॉटस्टार रिलीज कर दिया गया है आप वहाँ जाके इस का ले सकते हैं।, हैं तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे आप इस मूवी को कहा और कैसे देख सकते हैं वो बिल्कुल फ्री में दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मूवी के बारे में बात कर लेते हैं आखिरकार कैसी है मतलब किन किन लोगों ये मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इसे नापसंद भी सकते हैं और साथ में हम जानेंगे यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप हुई थी और इसके स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर भी है दोस्तों चलिए बात करते हैं वेद मूवी के बारे में इस मूवी को तीस दिसंबर दो में रिलीज की गई थी और इसके स्टार कास्ट में रितेश देशमुख जिया शंकर और सलमान खान जैसे कलाकार आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर मेरी तरफ आपके भी फेवरेट रितेश देशमुख और सलमान खान है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना और साथ ही साथ मूवी के रिलेटेड जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों बात करते हैं वेद मूवी के स्टोरी के बारे में तो इस मूवी में दिखाया जाएगा एक उदास शराबी होता है लेकिन उस शराबी को मुक्ति तब मिलती है जब उसे पहले की प्रेमी की अनाथ बेटी उसके साथ रहने का फैसला करती है हालांकि युवा लड़की उसे गोद लेने के लिए एक शर्त रखती है आगे आपको इस मूवी में दिखाया जाएगा कि क्या होता है और कैसे वो शराबी शराब सराव से मुक्त होता है दोस्तों यह रितेश देशमुख की काफी कमाल की मूवी है और इस मूवी के डायरेक्टर भी रितेश देशमुख ही है दोस्तों बात करते हैं यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप फिर हम आगे जानेंगे आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं दोस्तों वेद मूवी को बनाने ने में लगभग पंद्रह करोड़ की बजट लग गई थी लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी कमाल का कलेक्शन किया है इस मूवी ने लगभग पचहत्तर करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है इससे हमें यह पता चलता है यह मूवी बाईस की एक सुपर मूवी लिस्ट में शामिल हुई अब बात करें इसके IMDV रेटिंग के बारे में इस मूवी को दस में से लगभग सात की रेटिंग मिली है जो की काफी कमाल की आई रेटिंग मानी जाती है और साथ ही साथ इसे नाइन्टी गूगल यूजर भी पसंद करते हैं दोस्तों विद मूवी में ड्रामा एक्शन रोमांस तीनों आपको एक साथ देखने को मिलेगा और बात करें इसके ड्यूर की तो इस मूवी की ड्यूरेशन दो घंटे अट्ठाईस मिनट की है चलिए दोस्तों बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो उन्हें मैं बता दो यह मूवी अभी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं उनको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ही यह मूवी को यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस मूवी का लिंक एड कर दूंगा बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को एच क्वालिटी में ऑफिशियल तरीके ऐसी ओडीटी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं तो उनके लिए खुशी की बात है की इस मूवी को डिजनी हॉटस्टार रिलीज कर दिया गया है आप वहाँ जाके इस मूवी का एंजॉय ले सकते हैं चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तो तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप वेद मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो बिल्कुल फ्री में दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा वेद मूवी के बारे में बात कर लेते हैं आखिरकार ये मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को ये मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इसे नापसंद भी कर सकते हैं और साथ में हम जानेंगे यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप हुई थी और इसके स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर भी है दोस्तों चलिए बात करते हैं वेद मूवी के बारे में इस मूवी को तीस दिसंबर दो हजार में रिलीज की गई थी और इसके स्टार कास्ट में रितेश देशमुख जिया शंकर और सलमान खान जैसे कलाकार आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर मेरी आपके फेवरेट रितेश देशमुख और सलमान खान है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना और साथ ही साथ मूवी के रिलेटेड जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों बात करते हैं वेद मूवी के स्टोरी के बारे में तो इस मूवी में दिखाया जाएगा एक उदास शराबी होता है लेकिन उस शराबी को मुक्ति तब मिलती है जब उसे पहले की प्रेमी की अनाथ बेटी उसके साथ रहने का फैसला करती है की युवा लड़की उसे गोद लेने के लिए एक शर्त रखती है आगे आपको इस मूवी में दिखाया जाएगा की क्या होता है और कैसे वो शराबी शराब ऐसी मुक्त होता है दोस्तों यह रितेश देशमुख की काफी कमाल की मूवी है और इस मूवी के डायरेक्टर भी रितेश देशमुख ही है दोस्तों बात करते हैं यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप फिर हम आगे जानेंगे आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं दोस्तों वेद मूवी को बनाने में लगभग 15 करोड़ की बजट लग गई थी लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी कमाल का कलेक्शन किया है इस मूवी ने लगभग पचहत्तर करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है इससे हमें यह पता चलता है यह मूवी 2022 की एक सुपर हिट मूवी लिस्ट में शामिल हुई अब बात करें इसके IMDb रेटिंग के बारे में इस मूवी को 10 में से लगभग 7.5 की रेटिंग मिली है जो कि काफी कमाल की आई रेटिंग मानी जाती है और साथ ही साथ इसे 95 परसेंट गूगल यूजर भी पसंद करते हैं दोस्तों विद मूवी में ड्रामा एक्शन रोमांस तीनों आपको एक साथ देखने को मिलेगा और बात करें इसके ड्यूरेशन की तो इस मूवी की ड्यूरेशन दो घंटे अट्ठाईस मिनट की है चलिए दोस्तों बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो उन्हें मैं बता दो यह मूवी अभी यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है है लेकिन मैं उनको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ही यह मूवी को यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस मूवी का लिंक एड कर दूंगा अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को एच क्वालिटी में ऑफिशियल तरीके से पर देखना चाहते हैं तो उनके लिए खुशी की बात है कि इस मूवी को डिज्नी हॉटस्टार रिलीज कर दिया गया है आप वहां जाके इस मूवी का एंजॉय ले सकते हैं चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप वेद मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं सकते हैं वो बिल्कुल फ्री में दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा वेद मूवी के बारे में बात कर लेते हैं आखिरकार कैसी है मतलब किन किन लोगों को ये मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इसे नापसंद भी कर सकते हैं और साथ में हम जानेंगे यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप हुई थी और इसके स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर भी है दोस्तों चलिए बात करते हैं वेद मूवी के बारे में इस मूवी को तीस दिसंबर दो में रिलीज की गई थी और इसके स्टार कास्ट में रितेश देशमुख गिनीलिया जिया शंकर और सलमान खान जैसे कलाकार आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर मेरी तरफ आपके रितेश देशमुख और सलमान खान है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना और साथ ही साथ मूवी के रिलेटेड जानकारी के लिए हमें पहले की प्रेमी की अनाथ बेटी उसके साथ रहने का फैसला करती है हालांकि युवा लड़की उसे गोद लेने के लिए एक शर्त रखती है आगे आपको इस मूवी में दिखाया जाएगा कि क्या होता है और कैसे वो शराबी शराब सराव से मुक्त होता है दोस्तों यह रितेश देशमुख की काफी कमाल की मूवी है और इस मूवी के डायरेक्टर भी रितेश देशमुखी है दोस्तों बात करते यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप फिर हम आगे जानेंगे आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं दोस्तों वेद मूवी को बनाने में लगभग पंद्रह करोड़ की बजट लग गई थी लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी कमाल का कलेक्शन किया है इस मूवी ने लगभग पचहत्तर करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है इससे हमें यह पता चलता है यह मूवी दो की एक सुपर हिट मूवी लिस्ट में शामिल हुई अब बात करें इसके डीवी रेटिंग के बारे में इस मूवी को दस में से लगभग सात की रेटिंग मिली है जो की काफी कमाल

में ऑफिशियल तरीके से पर देखना चाहते हैं तो उनके लिए खुशी की बात है कि इस मूवी को डिजनी हॉटस्टार स्टार रिलीज कर दिया गया है आप वहाँ जाके इस मूवी को हैं। हैं तो थक चुके हैं तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो बिल्कुल फ्री में दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा वैद्य मूवी के बारे में बात कर लेते हैं आखिरकार कैसी है मतलब किन किन लोगों ये मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इसे नापसंद कर सकते हैं और साथ में हम जानेंगे यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप हुई थी और इसके स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर भी है दोस्तों चलिए बात करते हैं वेद मूवी के बारे में इस मूवी को तीस दिसंबर दो में रिलीज की गई थी और इसके स्टार कास्ट में रितेश देशमुख जिया शंकर और सलमान खान जैसे कलाकार आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर मेरी तरफ आपके फेवरेट रितेश देशमुख और सलमान खान है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना और साथ ही साथ मूवी के रिलेटेड जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों बात करते हैं वेद मूवी के स्टोरी के बारे में तो इस मूवी में दिखाया जाएगा एक उदास शराबी होता है लेकिन उस शराबी को मुक्ति तब मिलती है जब उसे पहले की प्रेमी की अनाथ बेटी उसके साथ रहने का फैसला करती है हालांकि युवा लड़की उसे गोद लेने के लिए एक शर्त रखती है आगे आपको इस मूवी में दिखाया जाएगा कि क्या होता है और कैसे वो शराबी शराब सराव से मुक्त होता है दोस्तों यह रितेश देशमुख की काफी कमाल की मूवी है और इस मूवी के डायरेक्टर भी रितेश देशमुख ही है दोस्तों बात करते हैं मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप फिर हम आगे जानेंगे आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं दोस्तों वेद मूवी को बनाने में लगभग पंद्रह करोड़ की बजट लग गई थी लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी कमाल का कलेक्शन किया है इस मूवी ने लगभग पचहत्तर करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है इससे हमें यह पता चलता है यह मूवी दो की एक सुपर हिट मूवी लिस्ट में शामिल हुई अब बात करें इसके IMDV रेटिंग के बारे में इस मूवी को दस में से लगभग सात की रेटिंग मिली है जो की काफी कमाल की आई रेटिंग मानी जाती है और साथ ही साथ इसे नाइन्टी गूगल यूजर भी पसंद करते हैं दोस्तों विद मूवी में ड्रामा एक्शन रोमांस तीनों आपको एक साथ देखने को मिलेगा और बात करें ड्यूरेशन की तो इस मूवी की ड्यूरेशन दो घंटे अट्ठाईस मिनट की है चलिए दोस्तों बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो उन्हें मैं बता दू यह मूवी अभी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं उनको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ही यह मूवी को यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस मूवी का लिंक एड कर दूंगा बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को एच क्वालिटी में ऑफिशियल तरीके ऐसी ओडिटी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं तो उनके लिए खुशी की बात है की इस मूवी को डिजनी हॉटस्टार रिलीज कर दिया गया है आप वहाँ जाके इस मूवी को एंजॉय ले सकते हैं चलिए दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तो तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप वेद मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो बिल्कुल फ्री में में दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा वेद मूवी के बारे बात कर लेते हैं आखिरकार ये मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को ये मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इसे नापसंद भी कर सकते हैं और साथ में हम जानेंगे यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप हुई थी और इसके स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर भी है दोस्तों चलिए बात करते हैं वेद मूवी के बारे में इस मूवी को तीस दिस बर 2022 में रिलीज की गई थी और इसके स्टार कास्ट में रितेश देशमुख गिनीलिया जिया शंकर और सलमान खान जैसे कलाकार आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर मेरी तरफ आपके भी फेवरेट रितेश देशमुख और सलमान खान है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना और साथ ही साथ मूवी के रिलेटेड जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों बात करते हैं वेद मूवी के स्टोरी के बारे में तो इस मूवी में दिखाया जाएगा एक उदास शराबी होता है लेकिन उस शराबी को मुक्ति तब मिलती है जब उसे पहले की प्रेमी की अनाथ बेटी उसके साथ रहने का फैसला करती है है हालांकि युवा लड़की उसे गोद लेने के लिए एक शर्त रखती है आगे आपको इस मूवी में दिखाया जाएगा कि क्या होता है और कैसे वो शराबी शराब से मुक्त होता है दोस्तों यह रितेश देशमुख की काफी कमाल की मूवी है और इस मूवी के डायरेक्टर भी रितेश देशमुख ही है दोस्तों बात करते हैं यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप फिर हम आगे जानेंगे आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं दोस्तों वेद मूवी को बनाने में लगभग पंद्रह करोड़ की बजट लग गई थी लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी कमाल का कलेक्शन किया है इस मूवी ने लगभग पचहत्तर करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है इससे हमें यह पता यह मूवी दो की एक सुपर हिट मूवी लिस्ट में शामिल हुई अब बात करके आई एम रेटिंग के बारे में इस मूवी को दस में से लगभग सात की रेटिंग मिली है जो की काफी कमाल की आई रेटिंग मानी जाती है और साथ ही साथ इसे नाइन्टी गूगल यूजर भी पसंद करते हैं दोस्तों विद मूवी में ड्रामा एक्शन रोमांस तीनों आपको एक साथ देखने को मिलेगा और बात करें इसके ड्यूरेशन की तो इस मूवी की ड्यूरेशन दो घंटे अट्ठाईस मिनट की है चलिए दोस्तों बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो उन्हें मैं बता दूं यह मूवी अभी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं उनको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ही मूवी को यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस मूवी का लिंक एड कर दूंगा बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को एच क्वालिटी में ऑफिशियल तरीके से ओटीटी पर देखना चाहते हैं तो उनके लिए खुशी की बात है कि इस मूवी को डिज्नी हॉटस्टार रिलीज कर दिया गया है आप वहां जाके इस मूवी का एंजॉय ले सकते हैं चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप वेद मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे आप इस मूवी को कहा और कैसे देख सकते हैं वो बिल्कुल फ्री में दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा वेद मूवी के बारे में बात कर लेते हैं आखिरकार ये मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को ये मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इसे नापसंद भी कर सकते हैं और साथ में हम जानेंगे मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप हुई थी और इसके स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर भी है दोस्तों चलिए बात करते हैं वेद मूवी के बारे में इस मूवी को तीस दिसंबर दो में रिलीज की गई थी और इसके स्टार कास्ट में रितेश देशमुख गिन जिया शंकर और सलमान खान जैसे कलाकार आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर मेरी तरफ आपके फेवरेट रितेश देशमुख और सलमान खान है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना और साथ ही साथ मूवी के रिलेटेड जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों बात करते हैं वेद मूवी के स्टोरी के बारे में तो इस मूवी में दिखाया जाएगा एक उदास शराबी होता है लेकिन उस शराबी को मुक्ति तब मिलती है जब उसे पहले की प्रेमी की अनाथ बेटी उसके साथ रहने का फैसला करती है हालांकि युवा लड़की उसे गोद लेने के लिए एक शर्त रखती है आगे आपको इस मूवी में दिखाया जाएगा कि क्या होता है और कैसे वो शराबी शराब से मुक्त होता है दोस्तों यह रितेश देशमुख काफी कमाल की मूवी है और इस मूवी के डायरेक्टर भी रितेश देशमुखी है दोस्तों बात करते हैं यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप फिर हम आगे जानेंगे आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं दोस्तों वेद मूवी को बनाने में लगभग पंद्रह करोड़ की बजट लग गई थी लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी कमाल का कलेक्शन किया है इस मूवी ने लगभग पचहत्तर करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है इससे हमें यह पता चलता है यह मूवी दो की एक सुपर हिट मूवी लिस्ट में शामिल हुई अब बात करें इसके एम रेटिंग के बारे में इस मूवी को दस में से लगभग सात की रेटिंग मिली है जो की काफी

क्वालिटी में ऑफिशियल तरीके से ऐसी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं तो उनके लिए खुशी की बात है कि इस मूवी को डिजनी हॉटस्टर रिलीज कर दिया गया है आप वहां जाके तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे आप इस मूवी को कहा और कैसे देख सकते हैं वो बिल्कुल फ्री में दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा वैद्य मूवी के बारे में बात कर लेते हैं आखिरकार ये मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को आएगी और कौन कौन से लोग इसे ना पसंद भी कर सकते हैं और साथ में हम जानेंगे यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप हुई थी और इसके स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर भी है दोस्तों चलिए बात करते हैं वेद मूवी के बारे में इस मूवी को तीस दिसंबर दो में रिलीज की गई थी और इसके स्टार कास्ट में रितेश देशमुख गिन जिया शंकर और सलमान खान जैसे कलाकार आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर मेरी तरफ आपके फेवरेट रितेश देशमुख और सलमान खान है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना और साथ ही साथ मूवी के रिलेटेड जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों बात करते हैं वेद मूवी के स्टोरी के बारे में तो इस मूवी में दिखाया जाएगा एक उदास शराबी होता है लेकिन उस शराबी को मुक्ति तब मिलती है जब उसे पहले की प्रेमी की अनाथ बेटी उसके साथ रहने का फैसला करती है हालांकि युवा लड़की उसे गोद लेने के लिए एक शर्त रखती है आगे आपको इस मूवी में दिखाया जाएगा की क्या होता है और कैसे वो शराबी शराब से मुक्त होता है दोस्तों यह रितेश देशमुख की काफी कमाल की मूवी है और इस मूवी के डायरेक्टर भी रितेश देशमुख ही है दोस्तों बात करते हैं यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप फिर हम आगे जानेंगे आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं दोस्तों वेद मूवी को बनाने में लगभग पंद्रह करोड़ की बजट लग गई थी लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी कमाल का कलेक्शन किया है इस मूवी ने लगभग पचहत्तर करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है इससे हमें यह पता चलता है यह मूवी दो की एक सुपर हिट मूवी लिस्ट में शामिल हुई अब बात करें इसके आई रेटिंग के बारे में इस मूवी को दस में से लगभग सात की रेटिंग मिली है जो की काफी कमाल की आई रेटिंग मानी जाती है और साथ ही साथ इसे नाइन्टी गूगल यूजर भी पसंद करते हैं दोस्तों विद मूवी में ड्रामा एक्शन रोमांस तीनों आपको एक साथ देखने को मिलेगा और बात इसके ड्यूरेशन की तो इस मूवी की ड्यूरेशन दो घंटे अट्ठाईस मिनट की है चलिए दोस्तों बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो उन्हें मैं बता दो यह मूवी अभी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं उनको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ही यह मूवी को यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस मूवी का लिंक एड कर दूंगा बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को एच क्वालिटी में ऑफिशियल तरीके ऐसी ओडीटी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं तो उनके लिए खुशी की बात है की इस मूवी को डिजनी हॉटस्टार रिलीज कर दिया गया है आप वहाँ जाके इस मूवी को एंजॉय ले सकते हैं चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तो तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों दोस्तों में तो बताएंगे आप इस मूवी को और कैसे देख सकते हैं, हैं। आखिरकार ये मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को ये मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इसे नापसंद भी कर सकते हैं और साथ में हम जानेंगे यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप हुई थी और इसके कास्ट में कौन कौन से एक्टर भी है दोस्तों चलिए बात करते हैं वेद मूवी के बारे में इस मूवी को दिसंबर 2022 में रिलीज की गई थी और इसके स्टार कास्ट में रितेश देशमुख गिनीलिया जिया शंकर और सलमान खान जैसे कलाकार आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर मेरी आपके फेवरेट रितेश देशमुख और सलमान खान है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना और साथ ही साथ मूवी के रिलेटेड जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों बात करते हैं वेद मूवी के स्टोरी के बारे में तो इस मूवी में दिखाया जाएगा एक उदास शराबी होता है लेकिन उस शराबी को मुक्ति तब मिलती है जब उसे पहले की प्रेमी की अनाथ बेटी उसके साथ रहने का फैसला कर ती है हालांकि युवा लड़की उसे गोद लेने के लिए एक शर्त रखती है आगे आपको इस मूवी में दिखाया जाएगा कि क्या होता है और कैसे वो शराबी शराब से मुक्त होता है दोस्तों यह रितेश देशमुख की काफी कमाल की मूवी है और इस मूवी के डायरेक्टर भी रितेश देशमुख ही है दोस्तों बात करते हैं यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप फिर हम आगे जानेंगे आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं दोस्तों वेद मूवी को बनाने में लगभग पंद्रह करोड़ की बजट लग गई थी लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी कमाल का कलेक्शन किया है इस मूवी ने लगभग पचहत्तर करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है इससे में यह पता चलता है यह मूवी दो की एक सुपर हिट मूवी लिस्ट में शामिल हुई अब बात करें इसके IMDb रेटिंग के बारे में इस मूवी को दस में से लगभग सात की रेटिंग मिली है जो की काफी कमाल IMDb रेटिंग मानी जाती है और साथ ही साथ इसे 95 यूजर ही इसे गूगल यूजर पसंद करते हैं दोस्तों विद मूवी में ड्रामा एक्शन रोमांस तीनों आपको एक साथ देखने को मिलेगा और बात करें इसके ड्यूरेशन की तो इस मूवी की ड्यूरेशन दो घंटे अट्ठाईस मिनट की है चलिए दोस्तों बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो उन्हें मैं बता दूं यह मूवी अभी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं उनको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ही यह मूवी को यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस मूवी का लिंक एड कर दूंगा बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को एच क्वालिटी में ऑफिशियल तरीके से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं तो उनके लिए खुशी की बात है कि इस मूवी को डिज्नी हॉटस्टार रिलीज कर दिया गया है आप वहां जाके इस मूवी को एंजॉय ले सकते हैं चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप वेद मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे आप इस मूवी को कहा कैसे देख सकते हैं वो बिल्कुल फ्री में दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा वेद मूवी के बारे में बात कर लेते हैं आखिरकार ये मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को ये मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इसे नापसंद भी कर सकते हैं और साथ में हम जानेंगे यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप हुई थी और इसके स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर भी है दोस्तों चलिए बात करते हैं वेद मूवी के बारे में इस मूवी को तीस दिसंबर दो में रिलीज की गई थी और इसके स्टार कास्ट में रितेश देशमुख गिन जिया शंकर और सलमान खान जैसे कलाकार आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर मेरी तरह आपके फेवरेट रितेश देशमुख और सलमान खान है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना और साथ ही साथ मूवी के रिलेटेड जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों बात करते हैं वेद मूवी के के स्टोरी बारे में तो इस मूवी में दिखाया जाएगा एक उदास शराबी होता है लेकिन उस शराबी को मुक्ति तब मिलती है जब उसे पहले की प्रेमी की अनाथ बेटी उसके साथ रहने का फैसला करती है हालाकि युवा लड़की उसे गोद लेने के लिए एक शर्त रखती है आगे आपको इस मूवी में दिखाया जाएगा की क्या होता है और कैसे वो शराबी शराब ऐसी मुक्त होता है दोस्तों यह रितेश देश काफी कमाल की मूवी है और इस मूवी के डायरेक्टर भी रितेश देशमुख ही है दोस्तों बात करते हैं यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप फिर हम आगे जानेंगे आप इस मूवी को कहा और कैसे देख सकते हैं दोस्तों वेद मूवी को बनाने में लगभग पंद्रह करोड़ की बजट लग गई थी लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी कमाल का कलेक्शन किया है इस मूवी ने लगभग पचहत्तर करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है इससे हमें यह पता चलता है यह मूवी दो की एक सुपर हिट मूवी लिस्ट में शामिल हुई अब बात करें इसके एम रेटिंग के बारे में इस मूवी को दस में से लगभग सात की रेटिंग मिली है जो की काफी कमाल की क्या रेटिंग मानी जाती है और साथ ही साथ इसे नाइनटी फाइव परसेंट गूगल यूजर भी पसंद करते हैं दोस्तों विद मूवी में ड्रामा एक्शन रोमांस तीनों आपको एक साथ देखने को मिलेगा और बात करें इसके ड्यूरेशन की तो इस मूवी की ड्यूरेशन दो घंटे अट्ठाईस मिनट की है चलिए दोस्तों बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो उन्हें मैं बता दो यह मूवी अभी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं उनको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ही यह मूवी को यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस मूवी का लिंक एड कर दूंगा बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी एच क्वालिटी में ऑफिशियल तरीके ऐसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं तो उनके लिए खुशी की बात है की इस मूवी को डिजनी हॉटस्टार रिलीज कर दिया गया है आप वहाँ जाके इस मूवी को मिलते हैं अगले वीडियो में तब तो तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे आप इस मूवी को कहा और कैसे देख सकते हैं वो बिल्कुल फ्री में दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा वैद्य मूवी के बारे में बात कर लेते हैं आखिरकार ये मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को ये मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग से नापसंद भी कर सकते हैं और साथ में हम जानेंगे यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप हुई थी और इसके स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर भी है दोस्तों चलिए बात करते हैं वेद मूवी के बारे में इस मूवी को तीस दिसंबर दो में रिलीज की गई थी और इसके स्टार कास्ट में रितेश देशमुख गिन जिया शंकर और सलमान खान जैसे कलाकार आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर मेरी तरफ आपके फेवरेट रितेश देशमुख और सलमान खान है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना और साथ ही साथ मूवी के रिलेटेड जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों बात करते हैं वेद मूवी के स्टोरी के बारे में तो इस मूवी में दिखाया जाएगा एक उदास शराबी होता है लेकिन उस शराबी को मुक्ति तब मिलती है जब उसे पहले की प्रेमी की अनाथ बेटी उसके साथ रहने का फैसला करती है हालांकि युवा लड़की उसे गोद लेने के लिए एक शर्त रखती है आगे आपको इस मूवी में दिखाया जाएगा की क्या होता है और कैसे वो शराबी शराब सराव ऐसी मुक्त होता है दोस्तों यह रितेश देशमुख की काफी कमाल की मूवी है और इस मूवी के डायरेक्टर भी रितेश देशमुख ही है दोस्तों बात करते हैं यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप फिर हम आगे जानेंगे आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं दोस्तों वेद मूवी को बनाने में लगभग पंद्रह करोड़ की बजट लग गई थी लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी कमाल का कलेक्शन किया है इस मूवी ने लगभग पचहत्तर करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है इससे हमें यह पता चलता है यह मूवी दो की एक सुपर हिट मूवी लिस्ट में शामिल हुई अब बात करें इसके आई रेटिंग के बारे में इस मूवी को दस में से लगभग सात की रेटिंग मिली है जो की काफी कमाल की आई रेटिंग मानी जाती है और साथ ही साथ इसे नाइन्टी गूगल यूजर भी पसंद करते हैं दोस्तों वेद मूवी में ड्रामा एक्शन रोमांस तीनों आपको एक साथ देखने को मिलेगा और बात कर इसके ड्यूरेशन की तो इस मूवी की ड्यूरेशन दो घंटे अट्ठाईस मिनट की है चलिए दोस्तों बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो उन्हें मैं बता यह मूवी अभी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं उनको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ही यह मूवी को अपलोड किया जाएगा तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस मूवी का लिंक एड कर दूंगा बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को एच क्वालिटी में ऑफिशियल तरीके ऐसी ओडीटी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं तो उनके लिए खुशी की बात है की इस मूवी को डिजनी हॉटस्टार रिलीज कर दिया गया है आप वहाँ जाके इस मूवी को एंजॉय ले सकते हैं चलिए दोस्तों के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तो तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप वेद मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे आप इस मूवी को कहा और कैसे देख सकते हैं वो बिल्कुल फ्री में दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा वेद मूवी के बारे में बात कर लेते हैं आखिरकार ये मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को ये मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इसे नापसंद भी कर सकते हैं और साथ में हम जानेंगे यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप हुई थी और इसके स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर भी है दोस्तों चलिए बात करते हैं वेद मूवी के बारे में इस मूवी 30 दिसंबर 2022 में रिलीज की गई थी और इसके स्टार कास्ट में रितेश देशमुख जिया शंकर और सलमान खान जैसे कलाकार आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर मेरी आपके फेवरेट रितेश देशमुख और सलमान खान है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना और साथ ही साथ मूवी के रिलेटेड जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों बात करते हैं वेद मूवी के स्टोरी के बारे में तो इस मूवी में दिखाया जाएगा एक उदास शराबी होता है लेकिन उस शराबी को मुक्ति तब मिलती है जब उसे पहले की प्रेमी की अनाथ बेटी उसके साथ रहने का फैसला करती है हालांकि युवा लड़की उसे गोद लेने के लिए एक शर्त रखती है आगे आपको इस मूवी में दिखाया जाएगा कि क्या होता है और कैसे वो शराबी शराब से मुक्त होता है दोस्तों यह रितेश देशमुख की काफी कमाल की मूवी है और इस मूवी के डायरेक्टर भी रितेश देशमुख ही है दोस्तों बात करते हैं मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप फिर हम आगे जानेंगे आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं दोस्तों वेद मूवी को बनाने में लगभग पंद्रह करोड़ की बजट लग गई थी लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी कमाल का कलेक्शन किया है इस मूवी ने लगभग पचहत्तर करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है इससे यह पता चलता है यह मूवी 2022 की एक सुपर हिट मूवी लिस्ट में शामिल हुई अब बात करें इसके IMDb रेटिंग के बारे में इस मूवी को 10 में से लगभग 7.5 की रेटिंग मिली है जो कि काफी कमाल की आई रेटिंग मानी जाती है और साथ ही साथ इसे 95 परसेंट गूगल यूजर भी पसंद करते हैं दोस्तों विद मूवी में ड्रामा एक्शन रोमांस तीनों आपको एक साथ देखने को मिलेगा और बात करें इसके ड्यूरेशन की तो इस मूवी की ड्यूरेशन दो घंटे अट्ठाईस मिनट की है चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो उन्हें मैं बता दो यह मूवी अभी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं उनको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ही मूवी को यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस मूवी का लिंक एड कर दूंगा अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को एच क्वालिटी में ऑफिशियल तरीके से पर देखना चाहते हैं तो उनके लिए खुशी की बात है कि इस मूवी को डिज्नी हॉटस्टार रिलीज कर दिया गया है आप वहां जाके इस मूवी को एंजॉय ले सकते हैं चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप वैध मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो बिल्कुल फ्री में दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा वेद मूवी के बारे में बात कर लेते हैं आखिरकार ये मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को ये मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इसे नापसंद भी कर सकते हैं और साथ में हम जानेंगे मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप हुई थी और इसके स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर भी है दोस्तों चलिए बात करते हैं वेद मूवी के बारे में इस मूवी को तीस दिसंबर दो में रिलीज की गई थी और इसके स्टार कास्ट में रितेश देशमुख गिन जिया शंकर और सलमान खान जैसे कलाकार आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर आपके फेवरेट रितेश देशमुख और सलमान खान है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना और साथ ही साथ मूवी के रिलेटेड जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों बात करते हैं वेद मूवी के के स्टोरी बारे में तो इस मूवी में दिखाया जाएगा एक उदास शराबी होता है लेकिन उस शराबी को मुक्ति तब मिलती है जब उसे पहले की प्रेमी की अनाथ बेटी उसके साथ रहने का फैसला करती है हालांकि युवा लड़की उसे गोद लेने के लिए एक शर्त रखती है आगे आपको इस मूवी में दिखाया जाएगा कि क्या होता है और कैसे वो शराबी शराब से मुक्त होता है दोस्तों यह रीति देशमुख काफी कमाल की मूवी है और इस मूवी के डायरेक्टर भी रितेश देशमुख ही है दोस्तों बात करते हैं यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप फिर हम आगे जानेंगे आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं दोस्तों वेद मूवी को बनाने में लगभग पंद्रह करोड़ की बजट लग गई थी लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी कमाल का कलेक्शन किया है इस मूवी ने लगभग पचहत्तर करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है इससे हमें यह पता चलता है यह मूवी दो की एक सुपर हिट मूवी लिस्ट में शामिल हुई अब बात करें इसके एम रेटिंग के बारे में इस मूवी को दस में से लगभग सात की रेटिंग मिली है जो की काफी कमाल एम डीवी रेटिंग मानी जाती है और साथ ही साथ इसे 95 ही करते हैं। दोस्तों में ड्रामा, की है। दोस्तों, बात करते हैं उन की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो उन्हें बता दो यह मूवी अभी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं उनको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ही यह मूवी को यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस मूवी का लिंक एड कर दूंगा बात करते हैं उन लोगों की जो इस को एच क्वालिटी में ऑफिशियल तरीके ऐसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं तो उनके लिए खुशी की बात है की इस मूवी को डिजनी हॉट स्टार रिलीज कर दिया गया है आप वहाँ जाके इस मूवी को एंजॉय ले सकते हैं चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तो तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप वैद्य मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो बिल्कुल फ्री में दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा वैद्य मूवी के बारे में बात कर लेते हैं आखिरकार ये मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को ये मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इसे नापसंद भी कर सकते हैं और साथ में हम जानेंगे यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप हुई थी और इसके स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर भी है दोस्तों चलिए बात करते हैं वेद मूवी के बारे में इस मूवी को तीस दिसंबर दो में रिलीज की गई थी और इसके स्टार कास्ट में रितेश देशमुख जिया शंकर और सलमान खान जैसे कलाकार आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर मेरी तरह आपके फेवरेट रितेश देशमुख और सलमान खान है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना और साथ ही साथ मूवी के रिलेटेड जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों बात करते हैं वेद मूवी के स्टोरी के बारे में तो इस मूवी में दिखाया जाएगा एक उदास शराबी होता है लेकिन उस शराबी को मुक्ति तब मिलती है जब उसे पहले की प्रेमी की अनाथ बेटी उसके साथ रहने का फैसला करती है हालांकि युवा लड़की उसे गोद लेने के लिए एक शर्त रखती है आगे आपको इस मूवी में दिखाया जाएगा की क्या होता है और कैसे वो शराबी शराब ऐसी मुक्त होता है दोस्तों यह रितेश देशमुख की काफी कमाल की मूवी है और इस मूवी के डायरेक्टर भी रितेश देशमुख ही है दोस्तों बात करते हैं यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप फिर हम आगे जानेंगे आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं दोस्तों वेद मूवी को बनाने में लगभग पंद्रह करोड़ की बजट लग गई थी लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी कमाल का कलेक्शन किया है इस मूवी ने लगभग पचहत्तर करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है इससे हमें यह पता चलता है यह मूवी दो की एक सुपर हिट मूवी लिस्ट में शामिल हुई अब बात करें इसके आई रेटिंग के बारे में इस मूवी को दस में से लगभग सात की रेटिंग मिली है जो की काफी कमाल की आई रेटिंग मानी जाती है और साथ ही साथ इसे नाइन्टी गूगल यूजर भी पसंद करते हैं दोस्तों वैद्य मूवी में ड्रामा एक्शन रोमांस तीनों आपको एक साथ देखने को मिले और बात कर इसके ड्यूरेशन की तो इस मूवी की ड्यूरेशन दो घंटे अट्ठाईस मिनट की है चलिए दोस्तों बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो उन्हें मैं बता दो यह मूवी अभी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं उनको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ही यह मूवी को यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस मूवी का लिंक एड कर दूंगा बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को एच क्वालिटी में ऑफिशियल तरीके ऐसी ओडीटी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं तो उनके लिए खुशी की बात है की इस मूवी को डिजनी हॉटस्टार रिलीज कर दिया गया है आप वहाँ जाके इस मूवी को एंजॉय ले सकते हैं दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तो तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप वेद मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो बिल्कुल फ्री में दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा वेद मूवी के बारे में बात कर लेते हैं आखिरकार ये मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को ये मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इसे नापसंद भी कर सकते हैं और साथ में हम जानेंगे यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप हुई थी और इसके स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर भी है दोस्तों चलिए बात करते हैं वेद मूवी के बारे में इस मूवी को 30 दिसंबर 2022 में रिलीज की गई थी और इसके स्टार कास्ट में रितेश देशमुख जिया शंकर और सलमान खान जैसे कलाकार आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर मेरी आपके फेवरेट रितेश देशमुख और सलमान खान है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना और साथ ही साथ मूवी के रिलेटेड जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों बात करते हैं वेद मूवी के स्टोरी के बारे में तो इस मूवी में दिखाया जाएगा एक उदास शराबी होता है लेकिन उस शराबी को मुक्ति तब मिलती है जब उसे पहले की प्रेमी की अनाथ बेटी उसके साथ रहने का फैसला करती है हालांकि युवा लड़की उसे गोद लेने के लिए एक शर्त रखती है आगे आपको इस मूवी में दिखाया जाएगा कि क्या होता है और कैसे वो शराबी शराब से मुक्त होता है दोस्तों यह रितेश देशमुख की काफी कमाल की मूवी है और इस मूवी के डायरेक्टर भी रितेश देशमुख ही है दोस्तों बात करते यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप फिर हम आगे जानेंगे आप इस मूवी को कहा और कैसे देख सकते हैं दोस्तों वेद मूवी को बनाने में लगभग पंद्रह करोड़ की बजट लग गई थी लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी कमाल का कलेक्शन किया है इस मूवी ने लगभग पचहत्तर करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है इससे हमें यह पता चलता है यह मूवी दो की एक सुपर हिट मूवी लिस्ट में शामिल हुई अब बात करें इसके आई रेटिंग के बारे में इस मूवी को दस में से लगभग सात की रेटिंग मिली है जो की काफी कमाल की आई रेटिंग मानी जाती है और साथ ही साथ इसे नाइन्टी गूगल यूजर भी पसंद करते हैं दोस्तों विद मूवी में ड्रामा एक्शन रोमांस तीनों आपको एक साथ देखने को मिलेगा और बात करें इसके ड्यूरेशन की तो इस मूवी की ड्यूरेशन दो घंटे अट्ठाईस मिनट की है चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो उन्हें मैं बता दूं यह मूवी अभी YouTube पे अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं उनको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ही यह मूवी को यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस मूवी का लिंक एड कर दूंगा अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को एच क्वालिटी में ऑफिशियल तरीके से ओडिटी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं तो उनके लिए खुशी की बात है कि इस मूवी को डिजनी हॉट रिलीज कर दिया गया है आप वहां जाके इस मूवी को एंजॉय ले सकते हैं चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप वेद मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो बिल्कुल फ्री में दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा वेद मूवी के बारे में बात कर लेते हैं आखिरकार ये मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को ये मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इसे नापसंद भी कर सकते हैं और साथ में हम जानेंगे यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप हुई थी और इसके स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर भी है दोस्तों चलिए बात करते हैं वेद मूवी के बारे में इस मूवी को तीस दिसंबर दो में रिलीज की गई थी और इसके स्टार कास्ट में रितेश देशमुख गिन जिया शंकर और सलमान खान जैसे कलाकार आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों तो अगर मेरी तरफ आपके भी फेवरेट रितेश देशमुख और सलमान खान है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना और साथ ही साथ मूवी के रिलेटेड जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों बात करते हैं वेद मूवी के के स्टोरी बारे में तो इस मूवी में दिखाया जाएगा एक उदास शराबी होता है लेकिन उस शराबी को मुक्ति तब मिलती है जब उसे पहले की प्रेमी की अनाथ बेटी उसके साथ रहने का फैसला करती है हालांकि युवा लड़की उसे गोद लेने के लिए एक शर्त रखती है आगे आपको इस मूवी में दिखाया जाएगा कि क्या होता है और कैसे वो शराबी शराब से मुक्त होता है दोस्तों यह रितेश देशमुख की काफी कमाल की मूवी है और इस मूवी के डायरेक्टर भी रितेश देशमुख ही है दोस्तों बात करते हैं यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप फिर हम आगे जानेंगे आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं दोस्तों वेद मूवी को बनाने में लगभग पंद्रह करोड़ की बजट लग गई थी लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी कमाल का कलेक्शन किया है इस मूवी ने लगभग पचहत्तर करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है इससे हमें यह पता चलता है यह मूवी दो की एक सुपर हिट मूवी लिस्ट में शामिल हुई अब बात करें इसके एम रेटिंग के बारे में इस मूवी को दस में से लगभग सात की रेटिंग मिली है जो की काफी कमाल की की रेटिंग मानी जाती है और साथ ही साथ इसे 95 ही पसंद करते हैं। दोस्तों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो उन्हें बता दूं यह मूवी अभी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं उनको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ही मूवी को यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस मूवी का लिंक एड कर दूंगा बात करते हैं उन लोगों की जो

कौन से लोग इसे नापसंद भी कर सकते हैं और साथ में हम जानेंगे यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप हुई थी और इसके स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर भी है दोस्तों चलिए बात करते हैं वेद मूवी के बारे में इस मूवी को तीस दिसंबर दो में रिलीज की गई थी और इसके स्टार कास्ट में रितेश देशमुख गिन जिया शंकर और सलमान खान जैसे कलाकार आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर मेरी तरह आपके फेवरेट रितेश देशमुख और सलमान खान है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना और साथ ही साथ मूवी के रिलेटेड जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों बात करते हैं वेद मूवी के स्टोरी के बारे में तो इस मूवी में दिखाया जाएगा एक उदास शराबी होता है लेकिन उस शराबी को मुक्ति तब मिलती है जब उसे पहले की प्रेमी की अनाथ बेटी उसके साथ रहने का फैसला करती है हालांकि युवा लड़की उसे गोद लेने के लिए एक शर्त रखती है आगे आपको इस मूवी में दिखाया जाएगा की क्या होता है और कैसे वो शराबी शराब सराव ऐसी मुक्त होता है दोस्तों यह रितेश देशमुख की काफी कमाल की मूवी है और इस मूवी के डायरेक्टर भी रितेश देशमुख ही है चलिए दोस्तों बात करते हैं यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप फिर हम आगे जानेंगे आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं है दोस्तों वेद मूवी को बनाने में लगभग पंद्रह करोड़ की बजट लग गई थी लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी कमाल का कलेक्शन किया है इस मूवी ने लगभग पचहत्तर करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है इससे हमें यह पता चलता है यह मूवी दो की एक सुपर हिट मूवी लिस्ट में शामिल हुई अब बात करें इसके आई रेटिंग के बारे में इस मूवी को दस में से लगभग सात की रेटिंग मिली है जो की काफी कमाल की आई रेटिंग मानी जाती है और साथ ही साथ इसे नाइन्टी गूगल यूजर भी पसंद करते हैं दोस्तों वैद्य मूवी में ड्रामा एक्शन रोमांस तीनों आपको एक साथ देखने को मिलेगा और बात करें इसके ड्यूरेशन की तो इस मूवी की ड्यूरेशन दो घंटे अट्ठाईस मिनट की है चलिए दोस्तों बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो उन्हें मैं बता दो यह मूवी अभी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं उनको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ही यह मूवी को यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस मूवी का लिंक एड कर दूंगा बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को एच क्वालिटी में ऑफिशियल तरीके ऐसी ओडिटी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं तो उनके लिए खुशी की बात है की इस मूवी को डिजनी हॉटस्टार रिलीज कर दिया गया है आप वहाँ जाके इस मूवी का एंजॉय ले सकते हैं चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तो तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप वेद मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो बिल्कुल फ्री में दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा वेद मूवी के बारे में बात कर लेते हैं आखिरकार ये मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को ये मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इसे नापसंद भी कर सकते हैं और साथ में हम जानेंगे यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप हुई थी और इसके स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर भी है दोस्तों चलिए बात करते हैं वेद मूवी के बारे में में इस मूवी को 30 दिसंबर 2022 में रिलीज की गई थी और इसके स्टार कास्ट में रितेश देशमुख जिया शंकर और सलमान खान जैसे कलाकार आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर मेरी तरह आपके फेवरेट रितेश देशमुख और सलमान खान है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना और साथ ही साथ मूवी के रिलेटेड जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों बात करते हैं वेद मूवी के स्टोरी के बारे में तो इस मूवी में दिखाया जाएगा एक उदास शराबी होता है लेकिन उस शराबी को मुक्ति तब मिलती है जब उसे पहले की प्रेमी की अनाथ बेटी उसके साथ रहने का फैसला करती है हालांकि युवा लड़की उसे गोद लेने के लिए एक शर्त रखती है आगे आपको इस मूवी में दिखाया जाएगा कि क्या होता है और कैसे वो शराबी शराब से मुक्त होता है दोस्तों यह रितेश देशमुख की काफी कमाल की मूवी है और इस मूवी के डायरेक्टर भी रितेश देशमुख ही है दोस्तों बात करते हैं यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप फिर हम आगे जानेंगे आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं दोस्तों वेद मूवी को बनाने में लगभग पंद्रह करोड़ की बजट लग गई थी लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी कमाल का कलेक्शन किया है इस मूवी ने लगभग पचहत्तर करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है इससे हमें यह पता चलता है यह मूवी दो की एक सुपर हिट मूवी लिस्ट में शामिल हुई अब बात करें इसके एम रेटिंग के बारे में इस मूवी को दस में से लगभग सात की रेटिंग मिली है जो की काफी कमाल की आई एम रेटिंग मानी जाती है और साथ ही साथ इसे नाइन्व गूगल यूजर भी पसंद करते हैं दोस्तों विद मूवी में ड्रामा एक्शन रोमांस तीनों आपको एक साथ देखने को मिलेगा और बात करें इसके ड्यूरेशन की तो इस मूवी की ड्यूरेशन दो घंटे अट्ठाईस मिनट की है चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो उन्हें मैं बता दूं यह मूवी अभी यूब पे अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं उनको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ही मूवी को YouTube पे अपलोड किया जाएगा तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस मूवी का लिंक एड करूंगा एच डी क्वालिटी में ऑफिशियल तरीके से प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं तो उनके लिए खुशी की बात है कि इस मूवी को डिजनी हॉटस्टार रिलीज कर दिया गया है आप वहां जाके इस मूवी का एंजॉय ले सकते हैं चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप वेद मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे आप इस मूवी को कहा और कैसे देख सकते हैं वो बिल्कुल फ्री में दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा वेद मूवी के बारे में बात कर लेते हैं आखिरकार ये मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को ये मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इसे नापसंद भी कर सकते हैं और साथ में हम जानेंगे मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप हुई थी और इसके स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर भी है दोस्तों चलिए बात करते हैं वेद मूवी के बारे में इस मूवी को तीस दिसंबर दो में रिलीज की गई थी और इसके स्टार कास्ट में रितेश देशमुख गिन जिया शंकर और सलमान खान जैसे कलाकार आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों दोस्तों अगर मेरी तरह आपके फेवरेट रितेश देशमुख और सलमान खान है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना और साथ ही साथ मूवी के रिलेटेड जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों बात करते हैं मूवी स्टोरी के, के बारे में तो इस मूवी में दिखाया जाएगा एक उदास शराबी होता है लेकिन उस शराबी को मुक्ति तब मिलती है जब उसे पहले की प्रेमी की अनाथ बेटी उसके साथ रहने का फैसला करती है हालांकि युवा लड़की उसे गोद लेने के लिए एक शर्त रखती है आगे आपको इस मूवी में दिखाया जाएगा कि क्या होता है और कैसे वो शराबी शराब से मुक्त होता है दोस्तों यह रितेश देशमुख की काफी कमाल की मूवी है और इस मूवी के डायरेक्टर भी रितेश देशमुख ही है दोस्तों बात करते हैं यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप फिर हम आगे जानेंगे आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं दोस्तों वेद मूवी को बनाने में लगभग पंद्रह करोड़ की बजट लग गई थी लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी कमाल का कलेक्शन किया है इस मूवी ने लगभग पचहत्तर करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है इससे हमें यह पता चलता है यह मूवी दो की एक सुपर हिट मूवी लिस्ट में शामिल हुई अब बात करें इसके एम रेटिंग के बारे में इस मूवी को दस में से लगभग सात की रेटिंग मिली है जो कि काफी कम माल एमडी रेटिंग मानी जाती है और साथ ही साथ इसे 95 गूगल यूजर भी पसंद करते हैं दोस्तों विद मूवी में ड्रामा एक्शन रोमांस तीनों आपको एक साथ देखने को मिलेगा और बात बात करें इसके ड्यूरेशन ड्यूरेशन की 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 तो इस मूवी घंटे मिनट की है चलिए दोस्तों बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो उन्हें मैं बता दो यह मूवी अभी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं उनको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ही यह मूवी को यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस मूवी का लिंक ऐड कर दूंगा बात करते हैं उन की जो इस मूवी को एच क्वालिटी में ऑफिशियल तरीके ऐसी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं तो उनके लिए खुशी की बात है की इस मूवी को डिजनी हॉटस्टार रिलीज कर दिया गया है आप वहाँ जाके इस मूवी को एंजॉय ले सकते हैं चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तो तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप वैद्य मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो बिल्कुल फ्री में दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा वैद्य मूवी के बारे में बात कर लेते हैं आखिरकार ये मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को ये मूवी पसंद आएगी कौन कौन से लोग इसे नापसंद भी कर सकते हैं और साथ में हम जानेंगे यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप हुई थी और इसके स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर भी है दोस्तों चलिए बात करते हैं वेद मूवी के बारे में इस मूवी को तीस दिसंबर दो में रिलीज की गई थी और इसके स्टार कास्ट में रितेश देशमुख जिया शंकर और सलमान खान जैसे कलाकार आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर मेरी तरह आपके भी फेवरेट रितेश देशमुख और सलमान खान है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना और साथ ही साथ मूवी के रिलेटेड जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों बात करते हैं मूवी के स्टोरी के बारे में तो इस मूवी में दिखाया जाएगा एक उदास शराबी होता है लेकिन उस शराबी को मुक्ति तब मिलती है जब उसे पहले की प्रेमी की अनाथ बेटी उसके साथ रहने का फैसला करती है हालांकि युवा लड़की उसे गोद लेने के लिए एक शर्त रखती है आगे आपको इस मूवी में दिखाया जाएगा की क्या होता है और कैसे वो शराबी शराब सराव से मुक्त होता है दोस्तों यह रितेश देशमुख की काफी कमाल की मूवी है और इस मूवी के डायरेक्टर भी रितेश देशमुख ही है दोस्तों बात करते हैं यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप फिर हम आगे जानेंगे आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते सकते हैं दोस्तों वेद मूवी को बनाने में लगभग पंद्रह करोड़ की बजट लग गई थी लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी कमाल का कलेक्शन किया है इस मूवी ने लगभग पचहत्तर करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है इससे हमें यह पता चलता है यह मूवी दो की एक सुपर हिट मूवी लिस्ट में शामिल हुई अब बात करें इसके आई रेटिंग के बारे में इस मूवी को दस में से लगभग सात की रेटिंग मिली है जो की काफी कमाल की आई रेटिंग मानी जाती है और साथ ही साथ इसे नाइन्टी गूगल यूजर भी पसंद करते हैं दोस्तों वेद मूवी में ड्रामा एक्शन रोमांस तीनों आपको एक साथ को मिलेगा और बात करें इसके ड्यूरेशन की तो इस मूवी की ड्यूरेशन दो घंटे अट्ठाईस मिनट की है चलिए दोस्तों बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो उन्हें मैं बता दो यह मूवी अभी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं उनको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ही यह मूवी को यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस मूवी का लिंक एड कर दूंगा बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को एच क्वालिटी में ऑफिशियल तरीके से ओडिटी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं तो उनके लिए खुशी की बात है की इस मूवी को डिजनी हॉट रिलीज कर दिया गया है आप वहाँ जाके इस मूवी को ले सकते है चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तो तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप वेद मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो बिल्कुल फ्री में दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा वेद मूवी के बारे में बात कर लेते हैं आखिरकार ये मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को ये मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इसे नापसंद भी कर सकते हैं और साथ में हम जानेंगे मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप हुई थी और इसके स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर भी है दोस्तों चलिए बात करते हैं वेद मूवी के बारे में में इस मूवी को 30 दिसंबर 2022 में रिलीज की गई थी और इसके स्टार कास्ट में रितेश देशमुख जिया शंकर और सलमान खान जैसे कलाकार आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर मेरी तरह रितेश देशमुख और सलमान खान है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना और साथ ही साथ मूवी के रिलेटेड जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों बात करते हैं वेद मूवी के स्टोरी के बारे में तो इस मूवी में दिखाया जाएगा एक उदास शराबी होता है लेकिन उस शराबी को मुक्ति तब मिलती है जब उसे पहले की प्रेमी की अनाथ बेटी उसके साथ रहने का फैसला करती है हालांकि युवा लड़की उसे गोद लेने के लिए एक शर्त रखती है आगे आपको इस मूवी में दिखाया जाएगा कि क्या होता है और कैसे वो शराबी शराब से मुक्त होता है दोस्तों यह रितेश देशमुख की काफी कमाल की मूवी है और इस मूवी के डायरेक्टर भी रितेश देशमुख ही है अब बात करते हैं यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप फिर हम आगे जानेंगे आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं दोस्तों वेद मूवी को बनाने में लगभग पंद्रह करोड़ की बजट लग गई थी लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी कमाल का कलेक्शन किया है इस मूवी ने लगभग पचहत्तर करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है इससे हमें यह पता चलता है यह मूवी 2022 की एक सुपर हिट मूवी लिस्ट में शामिल हुई अब बात करें इसके आई रेटिंग के बारे में इस मूवी को 10 में से लगभग 7.5 की रेटिंग मिली है जो कि काफी कमाल की आई रेटिंग मानी जाती है और साथ ही साथ इसे नाइन्टी गूगल यूजर भी पसंद करते हैं दोस्तों विद मूवी में ड्रामा एक्शन रोमांस तीनों आपको एक साथ देखने को मिलेगा और बात करें इसके ड्यूरेशन की तो इस मूवी की ड्यूरेशन दो घंटे अट्ठाईस मिनट की है चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को फ्री में YouTube पर देखना चाहते हैं तो उन्हें मैं बता दूं यह मूवी अभी YouTube पे अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं उनको भरोसा दिलाता हूँ कि जैसे ही यह मूवी को YouTube पे अपलोड किया जाएगा तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस मूवी का लिंक ऐड कर दूंगा अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को एच क्वालिटी में ऑफिशियल तरीके ऐसी ओडिटी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं तो उनके लिए खुशी की बात है की इस मूवी को डिजनी हॉटस्टार रिलीज कर दिया गया है आप वहां जाके इस मूवी का इंजॉय ले सकते हैं चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप वेद मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो बिल्कुल फ्री में दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा वेद मूवी के बारे में बात कर लेते हैं आखिरकार ये मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को ये मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इसे नापसंद भी कर सकते हैं और साथ में हम जानेंगे यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप हुई थी और इसके स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर भी है दोस्तों चलिए बात करते हैं वेद मूवी के बारे में इस मूवी को तीस दिसंबर दो में रिलीज की गई थी और इसके स्टार कास्ट में रितेश देशमुख गिन जिया शंकर और सलमान खान जैसे कलाकार आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर मेरी तरह आपके फेवरेट रितेश देशमुख और सलमान खान है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना और साथ ही साथ मूवी के रिलेटेड जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों बात करते हैं वेद मूवी के स्टोरी के बारे में तो इस मूवी में दिखाया जाएगा एक उदास शराबी होता है लेकिन उस शराबी को मुक्ति तब मिलती है जब उसे पहले की प्रेमी की अनाथ बेटी उसके साथ रहने का फैसला करती है हालांकि युवा लड़की उसे गोद लेने के लिए एक शर्त रखती है आगे आपको इस मूवी में दिखाया जाएगा कि क्या होता है और कैसे वो शराबी शराब से मुक्त होता है दोस्तों यह रितेश देशमुख की काफी कमाल की मूवी है और इस मूवी के डायरेक्टर भी रितेश देशमुख ही है दोस्तों बात करते हैं यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप फिर हम आगे जानेंगे आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं दोस्तों वेद मूवी को बनाने में लगभग पंद्रह करोड़ की बजट लग गई थी लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी कमाल का कलेक्शन किया है इस मूवी ने लगभग पचहत्तर करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है इससे हमें यह पता चलता है यह मूवी दो की एक सुपर हिट मूवी लिस्ट में शामिल हुई अब बात करें इसके एम रेटिंग के बारे में इस मूवी को दस में से लगभग सात पॉइंट की रेटिंग मिली है जो की काफी कमाल की एम रेटिंग मानी जाती है और साथ ही साथ इसे नाइन्टी गूगल यूजर भी पसंद करते हैं दोस्तों विद मूवी में ड्रामा एक्शन रोमांस तीनों आपको एक साथ देखने को मिलेगा और बात करें इसके ड्यूरेशन की तो इस मूवी की ड्यूरेशन दो घंटे अट्ठाईस दोस्तों बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो उन्हें मैं बता दो यह मूवी अभी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं उनको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ही यह मूवी को यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस मूवी का लिंक एड कर दूंगा बात करते उन लोगों की जो इस मूवी को एच क्वालिटी में ऑफिशियल तरीके से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं तो उनके लिए खुशी की बात है कि इस मूवी को डिजनी हॉट रिलीज कर दिया गया है आप वहाँ जाके इस मूवी को एंजॉय ले सकते हैं चलिए दोस्तों 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 आज के लिए हैं। हैं तो के लिए लिए इतना ही रखते हैं हैं मिलते अगले वीडियो में तब तक धन्यवाद नमस्कार दोस्तो। दोस्तो अगर आप मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो बिल्कुल फ्री में दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा वेद मूवी के बारे में बात कर लेते हैं आखिरकार ये मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को ये मूवी पसंद आ कौन कौन से लोग इसे नापसंद भी कर सकते हैं और साथ में हम जानेंगे यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप हुई थी और इसके स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर भी है दोस्तों बात करते हैं शंकर और सलमान खान जैसे कलाकार आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर मेरी तरफ आपके फेवरेट रितेश देशमुख और सलमान खान है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना और साथ ही साथ मूवी के रिलेटेड जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों बात करते हैं मूवी के स्टोरी के बारे में तो इस मूवी में दिखाया जाएगा एक उदास शराबी होता है लेकिन उस शराबी को मुक्ति तब मिलती है जब उसे पहले की प्रेमी की अनाथ बेटी उसके साथ रहने का फैसला करती है हालांकि युवा लड़की उसे गोद लेने के लिए एक शर्त रखती है आगे आपको इस मूवी में दिखाया जाएगा की क्या होता है और कैसे वो शराबी शराब ऐसी मुक्त होता है दोस्तों यह रितेश देशमुख की काफी कमाल की मूवी है और इस मूवी के डायरेक्टर भी रितेश देशमुख ही है दोस्तों बात करते हैं यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप फिर हम आगे जानेंगे आप इस मूवी को कहा और कैसे से देख सकते हैं दोस्तों वेद मूवी को बनाने में लगभग पंद्रह करोड़ की बजट लग गई थी लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी कमाल का कलेक्शन किया है इस मूवी ने लगभग पचहत्तर करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है इससे हमें यह पता चलता है यह मूवी दो की एक सुपर हिट मूवी लिस्ट में शामिल हुई अब बात करें इसके आई रेटिंग के बारे में इस मूवी को दस में से लगभग सात की रेटिंग मिली है जो की काफी कमाल की आई रेटिंग मानी जाती है और साथ ही साथ इसे नाइन्टी गूगल यूजर भी पसंद करते हैं दोस्तों वैद्य मूवी में ड्रामा एक्शन रोमांस तीनों आपको एक साथ देखने को मिलेगा और बात करें इसके ड्यूरेशन की तो इस मूवी की ड्यूरेशन दो घंटे अट्ठाईस मिनट की है चलिए दोस्तों बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो उन्हें मैं बता यह मूवी अभी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं उनको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ही यह मूवी को यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस मूवी का लिंक एड कर दूंगा बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को एच क्वालिटी में ऑफिशियल तरीके ऐसी ओडिटी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं तो उनके लिए खुशी की बात है की इस मूवी को डिजनी हॉटस्टार रिलीज कर दिया गया है आप वहाँ जाके इस मूवी को एंजॉय ले सकते हैं चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तो तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप वेद मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे आप इस मूवी को कहा और कैसे देख सकते हैं वो बिल्कुल फ्री में दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा वेद मूवी के बारे में बात कर लेते हैं आखिरकार ये मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को ये मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इसे नापसंद भी कर सकते हैं और साथ में हम जानेंगे यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप हुई थी और इसके स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर भी है दोस्तों चलिए बात करते हैं वेद मूवी के बारे में इस मूवी को 30 दिसंबर 2022 में रिलीज की गई थी और इसके स्टार कास्ट में रितेश देशमुख जिया शंकर और सलमान खान जैसे कलाकार आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर मेरी आपके फेवरेट रितेश देशमुख और सलमान खान है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना और साथ ही साथ मूवी के रिलेटेड जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों बात करते हैं वेद मूवी के स्टोरी के बारे में तो इस मूवी में दिखाया जाएगा एक उदास शराबी होता है लेकिन उस शराबी को मुक्ति तब मिलती है जब उसे पहले की प्रेमी की अनाथ बेटी उसके के साथ रहने का फैसला करती है हालांकि युवा लड़की उसे गोद लेने के लिए एक शर्त रखती है आगे आपको इस मूवी में दिखाया जाएगा कि क्या होता है और कैसे वो शराबी शराब से मुक्त होता है दोस्तों यह रितेश देशमुख की काफी कमाल की मूवी है और इस मूवी के डायरेक्टर भी रितेश देशमुख ही है दोस्तों बात करते हैं मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप फिर हम आगे जानेंगे आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं दोस्तों वेद मूवी को बनाने में लगभग पंद्रह करोड़ की बजट लग गई थी लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी कमाल का कलेक्शन किया है इस मूवी ने लगभग पचहत्तर करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है इससे हमें यह पता चलता है यह मूवी 2022 की एक सुपर हिट मूवी लिस्ट में शामिल हुई अब बात करें इसके आई रेटिंग के बारे में इस मूवी को 10 में से लगभग 7.5 की रेटिंग मिली है जो कि काफी कमाल की आई रेटिंग मानी जाती है और साथ ही साथ इसे नाइन्टी गूगल यूजर भी पसंद करते हैं दोस्तों विद मूवी में ड्रामा एक्शन रोमांस तीनों आपको एक साथ देखने को मिलेगा और बात करें इसके ड्यूरेशन की तो इस मूवी की ड्यूरेशन दो घंटे अट्ठाईस मिनट की है चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को फ्री में YouTube पर देखना चाहते हैं तो उन्हें मैं बता यह मूवी अभी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं उनको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ही यह मूवी को यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस मूवी का लिंक एड कर दूंगा अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को एच क्वालिटी में ऑफिशियल तरीके से ओडिटी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं तो उनके लिए खुशी की बात है कि इस मूवी को डिजनी हॉटस्टार रिलीज कर दिया गया है आप वहां जाके इस मूवी को एंजॉय ले सकते हैं चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप वेद मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज हम इस वीडियो में बता आप इस मूवी को कहा और कैसे देख सकते हैं वो बिल्कुल फ्री में दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा वेद मूवी के बारे में बात कर लेते हैं आखिरकार ये मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को ये मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इसे नापसंद भी कर सकते हैं और साथ में हम जानेंगे यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप हुई थी और इसके स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर भी है दोस्तों चलिए बात करते हैं वेद मूवी के बारे में इस मूवी को तीस दिसंबर दो में रिलीज की गई थी और इसके स्टार कास्ट में रितेश देशमुख गिन जिया शंकर और सलमान खान जैसे कलाकार आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर मेरी तरह आपके भी फेवरेट रितेश देशमुख और सलमान खान है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना और साथ ही साथ मूवी के रिलेटेड जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों बात करते हैं मूवी स्टोरी के, के बारे में तो इस मूवी में दिखाया जाएगा एक उदास शराबी होता है लेकिन उस शराबी को मुक्ति तब मिलती है जब उसे पहले की प्रेमी की अनाथ बेटी उसके साथ रहने का फैसला करती है हालांकि युवा लड़की उसे गोद लेने के लिए एक शर्त रखती है आगे आपको इस मूवी में दिखाया जाएगा कि क्या होता है और कैसे वो शराबी शराब से मुक्त होती है दोस्तों यह रितेश देशमुख की काफी कमाल की मूवी है और इस मूवी के डायरेक्टर भी रितेश देशमुख ही है दोस्तों बात करते हैं यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप फिर हम आगे जानेंगे आप इस मूवी को कहा और कैसे देख सकते हैं दोस्तों वेद मूवी को बनाने में लगभग पंद्रह करोड़ की बजट लग गई थी लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी कमाल का कलेक्शन किया है इस मूवी ने लगभग पचहत्तर करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है इससे हमें यह पता चलता है यह मूवी दो की एक सुपर हिट मूवी लिस्ट में शामिल हुई अब बात करें इसके रेटिंग के बारे में इस मूवी को दस में से लगभग सात की रेटिंग मिली है जो की एम डीवी रेटिंग मानी जाती है और साथ ही साथ इसे गूगल यूजर भी पसंद करते हैं दोस्तों विद मूवी में ड्रामा एक्शन रोमांस तीनों आपको एक साथ देखने को मिलेगा और बात करें इसके ड्यूरेशन ड्यूरेशन की की तो इस मूवी घंटे अट्ठाईस दोस्तों बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो उन्हें मैं बता दूं यह मूवी अभी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं उनको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ही यह मूवी को यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस मूवी का लिंक एड कर दूंगा बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को एच क्वालिटी में ऑफिशियल तरीके ऐसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं तो उनके लिए खुशी की बात है की इस मूवी को डिजनी हॉट रिलीज कर दिया गया है आप वहाँ जाके इस मूवी को एंजॉय ले सकते हैं चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तो तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप वेद मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो बिल्कुल फ्री में दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा वेद मूवी के बारे में बात कर लेते हैं आखिरकार ये मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों के मूवी संद आएगी और कौन कौन से लोग इसे नापसंद भी कर सकते हैं और साथ में हम जानेंगे यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप हुई थी और इसके स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर भी है दोस्तों चलिए बात करते हैं वेद मूवी के बारे में इस मूवी को तीस दिसंबर दो में रिलीज की गई थी और इसके स्टार कास्ट में रितेश देशमुख गिन जिया शंकर और सलमान खान जैसे कलाकार आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर मेरी तरफ आपके भी फेवरेट रितेश देशमुख और सलमान खान है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना और साथ ही साथ मूवी के रिलेटेड जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों बात कर मूवी के स्टोरी के बारे में तो इस मूवी में दिखाया जाएगा एक उदास शराबी होता है लेकिन उस शराबी को मुक्ति तब मिलती है जब उसे पहले की प्रेमी की अनाथ बेटी उसके साथ रहने का फैसला करती है हालांकि युवा लड़की उसे गोद लेने के लिए एक शर्त रखती है आगे आपको इस मूवी में दिखाया जाएगा की क्या होता है और कैसे वो शराबी शराब सराव ऐसी मुक्त होता है दोस्तों यह रितेश देशमुख की काफी कमाल की मूवी है और इस मूवी के डायरेक्टर भी रितेश देशमुख ही है दोस्तों बात करते हैं मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप फिर हम आगे जानेंगे आप इस मूवी को कहाँ कैसे देख सकते हैं दोस्तों विद मूवी को बनाने में लगभग पंद्रह करोड़ की बजट लग गई थी लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी कमाल का कलेक्शन किया है इस मूवी ने लगभग पचहत्तर करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है इससे हमें यह पता चलता मूवी दो हजार बाईस की एक सुपर हिट मूवी लिस्ट में शामिल हुई अब बात करें इसके आई रेटिंग के बारे में इस मूवी को दस में से लगभग सात की रेटिंग मिली है जो की काफी कमाल की आई रेटिंग मानी जाती है और साथ ही साथ इसे नाइन्टी गूगल यूजर भी पसंद करते हैं दोस्तों विद मूवी में ड्रामा एक्शन रोमांस तीनों आपको एक साथ देखने को मिलेगा और बात करें इसके ड्यूरेशन की, तो इस की, की है अभी पे अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं उनको भरोसा दिलाता हूँ कि अपलोड किया जाएगा तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस मूवी का लिंक एड कर दूंगा बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को एच क्वालिटी में ऑफिशियल तरीके ऐसी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं उनके लिए खुशी बात है इस मूवी को डिजनी हॉटस्ट रिलीज कर दिया गया है आप वहां जाकर इस मूवी को ले सकते हैं चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तो तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज हम इस इस वीडियो में बताएंगे आप मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो बिल्कुल फ्री में दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मूवी के बारे में बात कर लेते हैं आखिरकार ये मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को ये मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इसे नापसंद भी कर सकते हैं और साथ में हम जानेंगे यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप हुई थी और इसके स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर भी है दोस्तों चलिए बात करते हैं मूवी के बारे में इस मूवी को 30 दिसंबर 2022 में रिलीज की गई थी और इसके स्टार कास्ट में रितेश देशमुख जिया शंकर और सलमान खान जैसे कलाकार आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर मेरी तरफ आपके फेवरेट रितेश देशमुख और सलमान खान है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना और साथ ही साथ मूवी के रिलेटेड जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों बात करते हैं वेद मूवी के स्टोरी के बारे में तो इस मूवी में दिखाया जाएगा एक उदास शराबी होता है लेकिन उस शराबी को मुक्ति तब मिलती है जब उसे पहले की प्रेमी की अनाथ बेटी उसके साथ रहने का फैसला करती है हालांकि युवा लड़की उसे गोद लेने के लिए एक शर्त रखती है आगे आपको इस मूवी में दिखाया जाएगा कि क्या होता है और कैसे वो शराबी शराब से मुक्त होता है दोस्तों यह रितेश देशमुख की काफी कमाल की मूवी है और इस मूवी के डायरेक्टर भी रितेश देशमुख ही है दोस्तों बात करते हैं मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप फिर हम आगे जानेंगे आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं दोस्तों वेद मूवी को बनाने में लगभग पंद्रह करोड़ की बजट लग गई थी लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी कमाल का कलेक्शन किया है इस मूवी ने लगभग पचहत्तर करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है इससे हमें यह पता चलता है यह मूवी 2022 की एक सुपर हिट मूवी लिस्ट में शामिल हुई अब बात करें इसके आई रेटिंग के बारे में इस मूवी को 10 में से लगभग 7.5 की रेटिंग मिली है जो कि काफी कमाल की आई रेटिंग मानी जाती है और साथ ही साथ इसे नाइन्टी गूगल यूजर भी पसंद करते हैं दोस्तों विद मूवी में ड्रामा एक्शन रोमांस तीनों आपको एक साथ देखने को मिलेगा और बात करें इसके ड्यूरेशन की तो इस मूवी की ड्यूरेशन दो घंटे अट्ठाईस मिनट की है चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को फ्री में YouTube पर देखना चाहते हैं तो उन्हें मैं बता दो यह मूवी अभी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं उनको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ही यह मूवी को यूट्यूब अपलोड किया जाएगा तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस मूवी का लिंक एड कर दूंगा अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को एच क्वालिटी में ऑफिशियल तरीके से ओडिटी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं तो उनके लिए खुशी की बात है की इस मूवी को डिजनी हॉटस्टार रिलीज कर दिया गया है आप वहाँ जाके इस मूवी का इंजॉय ले सकते हैं चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप वेद मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज हम इस वीडियो हम बताएंगे आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो बिल्कुल फ्री में दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा वेद मूवी के बारे में बात कर लेते हैं आखिरकार मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को ये मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इसे नापसंद भी कर सकते हैं और साथ में हम जानेंगे यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप हुई थी और इसके स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर भी है दोस्तों चलिए बात करते हैं वेद मूवी के बारे में इस मूवी को तीस दिसंबर दो में रिलीज की गई थी और इसके स्टार कास्ट में रितेश देशमुख गिन जिया शंकर और सलमान खान जैसे कलाकार आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर मेरी तरह आपके भी फेवरेट रितेश देशमुख और सलमान खान है तो हमें इस वीडियो को लाइक बताना और साथ के रिलेटेड जानकारी के लिए मिलती है जब उसे पहले की प्रेमी की अनाथ बेटी उसके साथ रहने का फैसला करती है हालांकि युवा लड़की उसे गोद लेने के लिए एक शर्त रखती है आगे आपको इस मूवी में दिखाया जाएगा कि क्या होता है और कैसे वो शराबी शराब से मुक्त होता है दोस्तों यह रितेश देशमुख की काफी कमाल की मूवी है और इस मूवी के डायरेक्टर भी रितेश देशमुख ही है चलिए दोस्तों अब बात करते हैं यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप फिर हम आगे जानेंगे आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं दोस्तों वेद मूवी को बनाने में लगभग पंद्रह करोड़ की बजट लग गई थी लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी कमाल का, का कलेक्शन किया है इस मूवी ने लगभग पचहत्तर करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है इससे हमें यह पता चलता है यह मूवी दो की एक सुपर हिट मूवी लिस्ट में शामिल हुई अब बात करें इसके एम रेटिंग के बारे में इस मूवी को दस में से लगभग सात 5 की रेटिंग मिली है जो की काफी कमाल की कम रेटिंग मानी जाती है और साथ ही साथ इसे घंटे अट्ठाईस बात, तो इस बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो उन्हें बता दो यह मूवी अभी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं उनको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ही यह मूवी को यूट्यूब अपलोड किया जाएगा तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस मूवी का लिंक एड कर दूंगा बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को एच क्वालिटी में ऑफिशियल तरीके ऐसी ओडिटी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं तो उनके लिए खुशी की बात है की इस मूवी को डिजनी हॉट रिलीज कर दिया गया है आप वहाँ जाके इस मूवी को एंजॉय ले सकते हैं चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तो तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप वेद मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो बिल्कुल फ्री में दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा वेद मूवी के बारे में बात कर लेते हैं आखिरकार ये मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों की ये मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इसे नापसंद भी कर सकते हैं और साथ में हम जानेंगे यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप हुई थी और इसके स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर भी है दोस्तों चलिए बात करते हैं वेद मूवी के बारे में इस मूवी को तीस दिसंबर दो में रिलीज की गई थी और इसके स्टार कास्ट में रितेश देशमुख गिन जिया शंकर और सलमान खान जैसे कलाकार आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर मेरी तरफ आपके भी फेवरेट रितेश देशमुख और सलमान खान है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना और साथ ही साथ मूवी के रिलेटेड जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों बात करते हैं विद मूवी के स्टोरी के बारे में तो इस मूवी में दिखाया जाएगा एक उदास शराबी होता है लेकिन उस शराबी को मुक्ति तब मिलती है जब उसे पहले की प्रेमी की अनाथ बेटी उसके साथ रहने का फैसला करती है हालांकि युवा लड़की उसे गोद लेने के लिए एक शर्त रखती है आगे आपको इस मूवी में दिखाया जाएगा की क्या होता है और कैसे वो शराबी शराब सराव से मुक्त होता है दोस्तों यह रितेश देशमुख की काफी कमाल की मूवी है और इस मूवी के डायरेक्टर भी रितेश देशमुख ही है दोस्तों बात करते हैं यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप फिर हम आगे जानेंगे आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं दोस्तों विद मूवी को बनाने में लगभग पंद्रह करोड़ की बजट लग गई थी लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी कमाल का कलेक्शन किया है इस मूवी ने लगभग पचहत्तर करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है इससे हमें यह पता चलता है यह मूवी दो की एक सुपर हिट मूवी लिस्ट में शामिल हुई अब बात करें इसके आई रेटिंग के बारे में इस मूवी को दस में से लगभग सात की रेटिंग मिली है जो की काफी कमाल की आई रेटिंग मानी जाती है और साथ ही साथ इसे नाइन्टी गूगल यूजर भी पसंद करते हैं दोस्तों विद मूवी में ड्रामा एक्शन रोमांस तीन आपको एक साथ देखने को मिलेगा और बात करें इसके ड्यूरेशन की तो इस मूवी की दो मिनट की की ड्यूरेशन घंटे मिनट है चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन लोगों जो इस मूवी को फ्री के यूट्यूब देखना चाहते हैं तो उन्हें मैं बता यह मूवी अभी अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं उनको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ही यह मूवी को अपलोड किया जाएगा तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस मूवी का लिंक एड कर दूंगा बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को एच क्वालिटी में ऑफिशियल तरीके ऐसी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं तो उनके लिए खुशी की बात है की इस मूवी को डिजनी हॉटस्टार रिलीज कर दिया गया है आप वहाँ जाके इस को एंजॉय ले सकते हैं चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तो तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप वैद्य मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो बिल्कुल फ्री में दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मूवी के बारे में बात कर लेते हैं आखिरकार ये मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को ये मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इसे नापसंद भी कर सकते हैं और साथ में हम जानेंगे यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप हुई थी और इसके स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर भी है दोस्तों चलिए बात करते हैं वेद मूवी के बारे में इस मूवी को 30 दिसंबर 2022 में रिलीज की गई थी और इसके स्टार कास्ट में रितेश देशमुख जिया शंकर और सलमान खान जैसे कलाकार आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर मेरी तरफ आपके फेवरेट रितेश देशमुख और सलमान खान है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना और साथ ही साथ मूवी के रिलेटेड जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों बात करते हैं वेद मूवी के स्टोरी के बारे में तो इस मूवी में दिखाया जाएगा एक उदास शराबी होता है लेकिन उस शराबी को मुक्ति तब मिलती है जब उसे पहले की प्रेमी की अनाथ टी उसके साथ रहने का फैसला करती है हालांकि युवा लड़की उसे गोद लेने के लिए एक शर्त रखती है आगे आपको इस मूवी में दिखाया जाएगा कि क्या होता है और कैसे वो शराबी शराब से मुक्त होता है दोस्तों यह रितेश देशमुख की काफी कमाल की मूवी है और इस मूवी के डायरेक्टर भी रितेश देशमुख ही है दोस्तों बात करते यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप फिर हम आगे जानेंगे आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं दोस्तों वेद मूवी को बनाने में लगभग पंद्रह करोड़ की बजट लग गई थी लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी कमाल का कलेक्शन किया है इस मूवी ने लगभग पचहत्तर करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है इससे हमें यह पता चलता है यह मूवी 2022 की एक सुपर हिट मूवी लिस्ट में शामिल हुई अब बात करें इसके आई रेटिंग के बारे में इस मूवी को 10 में से लगभग 7.5 की रेटिंग मिली है जो कि काफी कमाल की आई रेटिंग मानी जाती है और साथ ही साथ इसे नाइन्टी गूगल यूजर भी पसंद करते हैं दोस्तों विद मूवी में ड्रामा एक्शन रोमांस तीनों आपको एक साथ देखने को मिलेगा और बात करें इसके ड्यूरेशन की तो इस मूवी की ड्यूरेशन दो घंटे अट्ठाईस मिनट की है चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को फ्री में YouTube पर देखना चाहते हैं तो उन्हें मैं बता दू यह मूवी अभी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं उनको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ही यह मूवी को यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस मूवी का लिंक एड कर दूंगा अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को एच क्वालिटी में ऑफिशियल तरीके से ओडिटी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं तो उनके लिए खुशी की बात है कि इस मूवी को डिजनी हॉटस्टार रिलीज कर दिया गया है आप वहां जाके इस मूवी का एंजॉय ले सकते हैं चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप वेद मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे आप इस मूवी को कहा और कैसे देख सकते हैं वो बिल्कुल फ्री में दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा वेद मूवी के बारे में बात कर लेते हैं आखिरकार ये ये मूवी मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इसे नापसंद भी कर सकते हैं और साथ में हम जानेंगे यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप हुई थी और इसके स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर भी है दोस्तों चलिए बात करते हैं वेद मूवी के बारे में इस मूवी को तीस दिसंबर दो में रिलीज की गई थी और इसके स्टार कास्ट में रितेश देशमुख गिनीलिया जिया शंकर और सलमान खान जैसे कलाकार आपको

से मुक्त होता है दोस्तों यह रितेश देशमुख की काफी कमाल की मूवी है और इस मूवी के डायरेक्टर भी रितेश देशमुख ही है दोस्तों बात करते हैं यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप फिर हम आगे जानेंगे आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं दोस्तों वेद मूवी दो को बनाने में लगभग पंद्रह करोड़ की बजट लग गई थी लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी कमाल का कलेक्शन किया है इस मूवी ने लगभग पचहत्तर करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है इससे हमें यह पता चलता है यह मूवी दो की एक सुपर हिट मूवी लिस्ट में शामिल हुई अब बात करें इसके रेटिंग के बारे में इस मूवी को 10 में से लगभग पॉइंट की रेटिंग मिली है जो कि काफी कम माल की रेटिंग मानी जाती है और साथ ही साथ इसे 95 परसेंट गूगल यूजर भी पसंद करते हैं दोस्तों विद मूवी में ड्रामा एक्शन रोमांस तीनों आपको एक साथ देखने को मिलेगा और बात करें इसके ड्यूरेशन की तो इस मूवी की ड्यूरेशन दो घंटे अट्ठाईस मिनट की है चलिए दोस्तों बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो उन्हें मैं बता दो यह मूवी अभी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं उनको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ही यह मूवी को यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस मूवी का लिंक ऐड कर दूँ अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को एच क्वालिटी में ऑफिशियल तरीके ऐसी तो बात है कि इस मूवी को रिलीज कर दिया गया है आप वहाँ जाके इस मूवी को इंजॉय ले सकते हैं चलिए दोस्तों आज के लिए हैं। हैं तो के लिए लिए इतना ही रखते हैं हैं मिलते अगले वीडियो में तब तक धन्यवाद नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप वैद्य मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो बिल्कुल फ्री में दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा वैद्य मूवी के बारे में बात कर लेते हैं आखिरकार ये मूवी कैसी है मतलब किन किन लोग को मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इसे नापसंद भी कर सकते हैं और साथ में हम जानेंगे यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप हुई थी और इसके स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर भी हैं दोस्तों चलिए बात करते हैं वेद मूवी के बारे में इस मूवी को 30 दिसंबर 2022 में रिलीज की गई थी और इसके स्टार कास्ट में रितेश देशमुख गिन जिया शंकर और सलमान खान जैसे कलाकार आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर मेरी तरफ आपके भी फेवरेट रितेश देशमुख और सलमान खान है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना और साथ ही साथ मूवी के रिलेटेड जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों बात करते हैं विद मूवी के स्टोरी के बारे में तो इस मूवी में दिखाया जाएगा एक उदास शराबी होता है लेकिन उस शराबी को मुक्ति तब मिलती है जब उसे पहले की प्रेमी की अनाथ बेटी उसके साथ रहने का फैसला करती है हालांकि युवा लड़की उसे गोद लेने के लिए एक शर्त रखती है आगे आपको इस मूवी में दिखाया जाएगा की क्या होता है और कैसे वो शराबी शराब सराव से मुक्त होता है दोस्तों यह रितेश देशमुख की काफी कमाल की मूवी है और इस मूवी के डायरेक्टर भी रितेश देशमुख ही है दोस्तों बात करते हैं यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप फिर हम आगे जानेंगे आप इस मूवी को कहा और कैसे देख सकते हैं दोस्तों विद मूवी को बनाने में लगभग पंद्रह करोड़ की बजट लग गई थी लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी कमाल का कलेक्शन किया है इस मूवी ने लगभग पचहत्तर करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है इससे हमें यह पता चलता है यह मूवी दो की एक सुपर हिट मूवी लिस्ट में शामिल हुई अब बात करें इसके आई रेटिंग के बारे में इस मूवी को दस में से लगभग सात की रेटिंग मिली है जो की काफी कमाल की आई रेटिंग मानी जाती है और साथ ही साथ इसे नाइन्टी गूगल यूजर भी पसंद करते हैं दोस्तों विद मूवी में ड्रामा एक्शन रोमांस तीनों आपको एक साथ देखने को मिलेगा और बात करें इसके ड्यूरेशन की तो इस मूवी की ड्यूरेशन दो घंटे अट्ठाईस मिनट की है चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो उन्हें मैं बता दू यह मूवी अभी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं उनको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ही यह मूवी को यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस मूवी का लिंक एड कर दूंगा बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को एच क्वालिटी में ऑफिशियल तरीके ऐसी ओडीटी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं तो उनके लिए खुशी की बात है की इस मूवी को डिजनी हॉटस्टार रिलीज कर दिया गया है आप वहाँ जाके इस मूवी का एंजॉय ले सकते हैं चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तो तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप वैद्य मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो बिल्कुल फ्री में दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मूवी के बारे में बात कर लेते हैं आखिरकार ये मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को ये मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इसे नापसंद भी कर सकते हैं और साथ में हम जानेंगे यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप हुई थी और इसके स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर भी है दोस्तों चलिए बात बात करते हैं वैद्य मूवी के बारे में इस मूवी को 30 दिसंबर 2022 में रिलीज की गई थी और इसके स्टार कास्ट में रितेश देशमुख जिया शंकर और सलमान खान जैसे कलाकार आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर मेरी तरफ आपके फेवरेट रितेश देशमुख और सलमान खान है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना और साथ ही साथ मूवी के रिलेटेड जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों बात करते हैं वैद्य मूवी के स्टोरी के बारे में तो इस मूवी में दिखाया जाएगा एक उदास शराबी होता है लेकिन उस शराबी को मुक्ति तब मिलती है जब उसे पहले की प्रेमी की आना बेटी उसके साथ रहने का फैसला करती है हालांकि युवा लड़की उसे गोद लेने के लिए एक शर्त रखती है आगे आपको इस मूवी में दिखाया जाएगा कि क्या होता है और कैसे वो शराबी शराब से मुक्त होता है दोस्तों यह रितेश देशमुख की काफी कमाल की मूवी है और इस मूवी के डायरेक्टर भी रितेश देशमुख ही है दोस्तों बात करते यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप फिर हम आगे जानेंगे आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं दोस्तों वेद मूवी को बनाने में लगभग पंद्रह करोड़ की बजट लग गई थी लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी कमाल का कलेक्शन किया है इस मूवी ने लगभग पचहत्तर करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है इससे हमें यह पता चलता है यह मूवी 2022 की एक सुपर हिट मूवी लिस्ट में शामिल हुई अब बात करें इसके आई रेटिंग के बारे में इस मूवी को 10 में से लगभग 7.5 की रेटिंग मिली है जो कि काफी कमाल की आई रेटिंग मानी जाती है और साथ ही साथ इसे नाइन्टी गूगल यूजर भी पसंद करते हैं दोस्तों विद मूवी में ड्रामा एक्शन रोमांस तीनों आपको एक साथ देखने को मिलेगा और बात करें इसके ड्यूरेशन की तो इस मूवी की ड्यूरेशन दो घंटे अट्ठाईस मिनट की है चलिए दोस्तों बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को फ्री में YouTube पर देखना चाहते हैं है तो उन्हें मैं बता दो यह मूवी अभी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं उनको भरोसा दिलाता हूँ कि अपलोड किया जाएगा तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस मूवी का लिंक एड कर दूंगा बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी एच डी क्वालिटी में ऑफिशियल तरीके से प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं तो उनके लिए खुशी की बात है कि इस मूवी को डिजनी हॉटस्टार रिलीज कर दिया गया है आप वहां जाके इस मूवी को एंजॉय ले सकते हैं चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप वेद मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो बिल्कुल फ्री में दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा वेद मूवी के बारे में बात कर लेते हैं आखिरकार ये मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को ये मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इसे नापसंद भी कर सकते हैं और साथ में हम जानेंगे यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप हुई थी और इसके स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर भी है दोस्तों चलिए बात करते हैं वेद मूवी के बारे में इस मूवी को तीस दिसंबर दो में रिलीज की गई थी और इसके स्टार कास्ट में रितेश देशमुख गिन जिया शंकर और सलमान खान जैसे कलाकार आगे आगे आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर मेरी तरफ आपके भी फेवरेट रितेश देशमुख और सलमान खान है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना और साथ ही साथ मूवी के रिलेटेड जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों बात करते हैं वेद मूवी मूवी के के स्टोरी बारे में में तो इस दिखाया जाएगा एक उदास शराबी होता है लेकिन उस शराबी को मुक्ति तब मिलती है जब उसे पहले की प्रेमी की अनाथ बेटी उसके साथ रहने का फैसला करती है हालांकि युवा लड़की उसे गोद लेने के लिए एक शर्त रखती है आगे आपको इस मूवी में दिखाया जाएगा कि क्या होता है और कैसे वो शराबी शराब से मुक्त होता है दोस्तों यह रितेश देशमुख की काफी कमाल की मूवी है और इस मूवी के डायरेक्टर भी रितेश देशमुख ही है दोस्तों बात करते हैं यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप फिर हम आगे जानेंगे आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं दोस्तों वेद मूवी को बनाने में लगभग पंद्रह करोड़ की बजट लग गई थी लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी कमाल का, का कलेक्शन किया है इस मूवी ने लगभग पचहत्तर करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है इससे हमें यह पता चलता है यह मूवी दो की एक सुपर मूवी लिस्ट में शामिल हुई अब बात करें इसके डीवी रेटिंग के बारे में इस मूवी को दस में से लगभग सात पॉइंट पांच की रेटिंग मिली है जो कि काफी कम माल की रेटिंग मानी जाती है और साथ ही साथ इसे नाइन फाइव परसेंट गूगल करते हैं दोस्तों विद मूवी में ड्रामा एक्शन रोमांस तीनों आपको एक साथ देखने को मिलेगा और बात करें इसके ड्यूरेशन की तो इस मूवी की ड्यूरेशन दो घंटे अट्ठाईस मिनट की है चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो उन्हें मैं बता दो यह मूवी अभी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं उनको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ही यह मूवी को यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस मूवी का लिंक ऐड कर दूंगा अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को एच क्वालिटी में ऑफिशियल तरीके ऐसी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं तो उनके लिए खुशी की बात है की इस मूवी को डिजनी हॉटस्ट रिलीज कर दिया गया है आप वहाँ जाके इस मूवी को एंजॉय ले सकते हैं चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तो तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप वैद्य मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो बिल्कुल फ्री में दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा वैद्य मूवी के बारे में बात कर लेते हैं आखिरकार ये मूवी कैसी है मतलब किन धु किन लोगों को यह मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इसे नापसंद भी कर सकते हैं और साथ में हम जानेंगे यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप हुई थी और इसके स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर भी है दोस्तों चलिए बात करते हैं वेद मूवी के बारे में इस मूवी को तीस दिसंबर दो में रिलीज की गई थी और इसके स्टार कास्ट में रितेश देशमुख गिन जिया शंकर और सलमान खान जैसे कलाकार आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर मेरी तरफ आपके भी फेवरेट रितेश देशमुख और सलमान खान है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना और साथ ही साथ मूवी के रिलेटेड जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों बात करते हैं वेद मूवी के स्टोरी के बारे में तो इस मूवी में दिखाया जाएगा एक उदास शराबी होता है लेकिन उस शराबी को मुक्ति तब मिलती है जब उसे पहले की प्रेमी की अनाथ बेटी उसके साथ रहने का फैसला करती है हालांकि युवा लड़की उसे गोद लेने के लिए एक शर्त रखती है आगे आपको इस मूवी में दिखाया जाएगा की क्या होता है और कैसे वो शराबी शराब सराव ऐसी मुक्त होता है दोस्तों यह रितेश देशमुख की काफी कमाल की मूवी है और इस मूवी के डायरेक्टर भी रितेश देशमुख ही है दोस्तों बात करते हैं मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप फिर हम आगे जानेंगे आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं दोस्तों वेद मूवी को बनाने में लगभग पंद्रह करोड़ की बजट लग गई थी लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी कमाल का कलेक्शन किया है इस मूवी ने लगभग पचहत्तर करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है इससे हमें यह पता चलता है यह मूवी दो की एक सुपर मूवी लिस्ट में शामिल हुई अब बात करें इसके आई रेटिंग के बारे में इस मूवी को दस में से लगभग सात की रेटिंग मिली है जो की काफी कमाल की आई रेटिंग मानी जाती है और साथ ही साथ इसे नाइन्टी फाइव गूगल यूजर भी पसंद करते हैं दोस्तों वेद मूवी में ड्रामा एक्शन रोमांस तीनों आपको एक साथ देखने को मिलेगा और बात कर इसके ड्यूरेशन की तो इस मूवी की ड्यूरेशन दो घंटे अट्ठाईस है चलिए दोस्तों बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को फ्री में पर देखना चाहते हैं तो उन्हें मैं बता यह मूवी अभी अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं उनको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ही यह मूवी को अपलोड किया जाएगा तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस मूवी का लिंक एड कर दूंगा बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को एच क्वालिटी में ऑफिशियल तरीके ऐसी ओडीटी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं तो उनके लिए खुशी की बात है की इस मूवी को डिजनी हॉट स्टार रिलीज कर दिया गया है आपको जाके इस मूवी का एंजॉय ले सकते हैं चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगले तो तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों दोस्तों तो बताएंगे आप इस मूवी को मूवी के बारे में बात कर लेते हैं आखिरकार ये मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को ये मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इसे नापसंद भी कर सकते हैं और साथ में हम जानेंगे यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप हुई थी और इसके कास्ट में कौन कौन से एक्टर भी हैं दोस्तों बात करते हैं वेद मूवी के बारे में इस मूवी को 30 दिसंबर 2022 में रिलीज की गई थी और इसके स्टार कास्ट में रितेश देशमुख जिया शंकर और सलमान खान जैसे कलाकार आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर मेरी आपके फेवरेट रितेश देशमुख और सलमान खान है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना और साथ ही साथ मूवी के रिलेटेड जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों बात करते हैं वेद मूवी के स्टोरी के बारे में तो इस मूवी में दिखाया जाएगा एक उदास शराबी होता है लेकिन उस शराबी को मुक्ति तब मिलती है जब उसे पहले की प्रेमी अनाथ बेटी उसके साथ रहने का फैसला करती है हालांकि युवा लड़की उसे गोद लेने के लिए एक शर्त रखती है आगे आपको इस मूवी में दिखाया जाएगा कि क्या होता है और कैसे वो शराबी शराब से मुक्त होता है दोस्तों यह रितेश देशमुख की काफी कमाल की मूवी है और इस मूवी के डायरेक्टर भी रितेश देशमुख ही है दोस्तों बात करते हैं यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप फिर हम आगे जानेंगे आप इस मूवी को कहा और कैसे देख सकते हैं दोस्तों वेद मूवी को बनाने में लगभग पंद्रह करोड़ की बजट लग गई थी लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी कमाल का कलेक्शन किया है इस मूवी ने लगभग पचहत्तर करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है इससे समे में यह पता चलता है यह मूवी दो की एक सुपर हिट मूवी लिस्ट में शामिल हुई अब बात करें इसके आई रेटिंग के बारे में इस मूवी को दस में से लगभग सात की रेटिंग मिली है जो की काफी कमाल की आई रेटिंग मानी जाती है और साथ ही साथ इसे नाइन्टी गूगल यूजर ही पसंद करते हैं दोस्तों विद मूवी में ड्रामा एक्शन रोमांस तीनों आपको एक साथ देखने को मिलेगा और बात करें इसके ड्यूरेशन की तो इस मूवी की ड्यूरेशन दो घंटे अट्ठाईस मिनट की है चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो उन्हें मैं बता दूं यह मूवी अभी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं उनको भरोसा दिलाता हूं कि जैसे ही यह मूवी को यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस मूवी का लिंक एड कर दूंगा बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को एच क्वालिटी में ऑफिशियल तरीके से ओडीटी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं तो उनके लिए खुशी की बात है की इस मूवी को डिजनी हॉटस्टार रिलीज कर दिया गया है आप वहाँ जाके इस मूवी का एंजॉय ले सकते हैं चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप वेद मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो बिल्कुल फ्री में दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा वेद मूवी के बारे में बात कर लेते हैं आखिरकार ये मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को ये मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इसे नापसंद भी कर सकते हैं और साथ में हम जानेंगे यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप हुई थी और इसके स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर भी है दोस्तों चलिए बात करते हैं वेद मूवी के बारे में इस मूवी को तीस दिसंबर दो में रिलीज की गई थी और इसके स्टार कास्ट में रितेश देशमुख गिनीलिया जिया शंकर और सलमान खान जैसे कलाकार आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर मेरी तरफ आपके फेवरेट रितेश देशमुख और सलमान खान है तो हमें इस वीडियो को करके जरूर बताना और साथ ही साथ जानकारी के लिए शराबी के के तो को मुक्ति तब मिलती है जब उसे पहले की प्रेमी की अनाथ बेटी उसके साथ रहने का फैसला करती है हालांकि युवा लड़की उसे गोद लेने के लिए एक शर्त रखती है आगे आपको इस मूवी में दिखाया जाएगा कि क्या होता है और कैसे वो शराब भी शराब से मुक्त होता है दोस्तों यह रितेश देशमुख की काफी कमाल की मूवी है और इस मूवी के डायरेक्टर भी रितेश देशमुख ही है दोस्तों बात करते हैं यह मूवी हिट हुई थी, थी या फिर फ्लॉप फिर हम आगे जानेंगे आप इस मूवी को कहा और कैसे देख सकते हैं दोस्तों वेद मूवी को बनाने में लगभग पंद्रह करोड़ की बजट लग गई थी लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी कमाल का, का कलेक्शन किया है इस मूवी ने लगभग पचहत्तर करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है इससे हमें यह पता चलता है यह मूवी दो की एक सुपर हिट मूवी लिस्ट में शामिल हुई अब बात करें इसके रेटिंग के बारे में इस मूवी को दस में लगभग सात पॉइंट पांच की रेटिंग मिली है जो कि काफी कमाल कम माली रेटिंग मानी जाती है और साथ ही साथ इसे नाइन फाइव परसेंट गूगल करते हैं दोस्तों विद मूवी में ड्रामा एक्शन रोमांस तीनों आपको एक साथ देखने को मिलेगा और बात करें इसके ड्यूरेशन की तो इस मूवी की ड्यूरेशन दो घंटे अट्ठाईस मिनट की है चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो उन्हें मैं बता दो यह मूवी अभी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं उनको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ही यह मूवी को यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस मूवी का लिंक ऐड कर दूंगा अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को एच क्वालिटी में ऑफिशियल तरीके प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं तो उनके लिए खुशी की बात है की इस मूवी को डिजनी हॉटस्टार रिलीज कर दिया गया है आप वहाँ जाके इस मूवी को एंजॉय ले सकते हैं चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तो तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप वैद्य मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे आप इस मूवी को कहा और कैसे देख सकते हैं वो बिल्कुल फ्री में दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा वैद्य मूवी के बारे में बात कर लेते हैं आखिरकार ये मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को की मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इसे नापसंद भी कर सकते हैं और साथ में हम जानेंगे यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप हुई थी और इसके स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर भी है दोस्तों चलिए बात करते हैं वेद मूवी के बारे में इस मूवी को तीस दिसंबर दो में रिलीज की गई थी और इसके स्टार कास्ट में रितेश देशमुख गिन जिया शंकर और सलमान खान जैसे कलाकार आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर मेरी तरफ आपके भी फेवरेट रितेश देशमुख और सलमान खान है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना और साथ ही साथ मूवी के रिलेटेड जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों बात करते हैं वेद मूवी के स्टोरी के बारे में तो इस मूवी में दिखाया जाएगा एक उदास शराबी होता है लेकिन उस शराबी को मुक्ति तब मिलती है जब उसे पहले की प्रेमी की अनाथ बेटी उसके साथ रहने का फैसला करती है हालांकि युवा लड़की उसे गोद लेने के लिए एक शर्त रखती है आगे आपको इस मूवी में दिखाया जाएगा कि क्या होता है और कैसे वो शराबी शराब सराव से मुक्त होता है दोस्तों यह रितेश देशमुख की काफी कमाल की मूवी है और इस मूवी के डायरेक्टर भी रितेश देशमुख ही है दोस्तों बात करते हैं मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप फिर हम आगे जाने आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं दोस्तों विद मूवी को बनाने में लगभग पंद्रह करोड़ की बजट लग गई थी लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी कमाल का कलेक्शन किया है इस मूवी ने लगभग पचहत्तर करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है इससे हमें यह पता चलता है यह मूवी दो की एक सुपर हिट मूवी लिस्ट में शामिल हुई अब बात करें इसके आई रेटिंग के बारे में इस मूवी को दस में से लगभग सात की रेटिंग मिली है जो की काफी कमाल की आई रेटिंग मानी जाती है और साथ ही साथ इसे नाइन्टी गूगल यूजर भी पसंद करते हैं दोस्तों विद मूवी में ड्रामा एक्शन रोमांस तीनों आपको एक साथ देखने को मिलेगा और बात करें इसके ड्यूरेशन की तो इस मूवी की ड्यूरेशन दो घंटे अट्ठाईस मिनट की है चलिए दोस्तों बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो उन्हें मैं बता दो यह मूवी अभी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं उनको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ही यह मूवी को यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस मूवी का लिंक एड कर दूंगा बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को एच क्वालिटी में ऑफिशियल तरीके ऐसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं तो उनके लिए खुशी की बात है की इस मूवी को डिजनी हॉटस्टार स्टार रिलीज कर दिया गया है आप वहाँ जाके इस मूवी को एंजॉय ले सकते हैं चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तो तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप वैद्य मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे आप इस मूवी को कहा और कैसे देख सकते हैं वो बिल्कुल फ्री में दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा वैद्य मूवी के बारे में बात कर लेते हैं आखिरकार ये मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को ये मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इसे नापसंद भी कर सकते हैं और साथ में हम जानेंगे यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप हुई थी और इसके स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर भी है दोस्तों तो चलिए बात करते हैं वेद मूवी के बारे में इस मूवी को 30 दिसंबर 2022 में रिलीज की गई थी और इसके स्टार कास्ट में रितेश देशमुख जिया शंकर और सलमान खान जैसे कलाकार आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर मेरी तरफ रितेश देशमुख और सलमान खान है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना और साथ ही साथ मूवी के रिलेटेड जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों बात करते हैं वेद मूवी के स्टोरी के बारे में तो इस मूवी में दिखाया जाएगा एक उदास शराबी होता है लेकिन उस शराबी को मुक्ति तब मिलती है जब उसे पहले की प्रेम की अनाथ बेटी उसके साथ रहने का फैसला करती है हालांकि युवा लड़की उसे गोद लेने के लिए एक शर्त रखती है आगे आपको इस मूवी में दिखाया जाएगा कि क्या होता है और कैसे वो शराबी शराब से मुक्त होता है दोस्तों यह रितेश देशमुख की काफी कमाल की मूवी है और इस मूवी के डायरेक्टर भी रितेश देशमुख ही है दोस्तों अब बात करते हैं यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप फिर हम आगे जानेंगे आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं दोस्तों वेद मूवी को बनाने में लगभग पंद्रह करोड़ की बजट लग गई थी लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी कमाल का कलेक्शन किया है इस मूवी ने लगभग पचहत्तर करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है इससे हमें यह पता चलता है यह मूवी 2022 की एक सुपर हिट मूवी लिस्ट में शामिल हुई अब बात करें इसके आई रेटिंग के बारे में इस मूवी को 10 में से लगभग 7.5 की रेटिंग मिली है जो कि काफी कमाल की आई रेटिंग मानी जाती है और साथ ही साथ इसे नाइन्टी गूगल यूजर भी पसंद करते हैं दोस्तों विद मूवी में ड्रामा एक्शन रोमांस तीनों आपको एक साथ देखने को मिलेगा और बात करें इसके ड्यूरेशन की तो इस मूवी की ड्यूरेशन दो घंटे अट्ठाईस मिनट की है चलिए दोस्तों बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को फ्री में YouTube आरोप देखना चाहते हैं तो उन्हें मैं बता दो यह मूवी अभी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं उनको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ही यह मूवी को यूट्यूब अपलोड किया जाएगा तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस मूवी का लिंक कर दूंगा अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को क्वालिटी में ऑफिशियल तरीके से पर देखना चाहते हैं तो उनके लिए खुशी की बात है कि इस मूवी को डिज्नी हॉटस्टार स्टार रिलीज कर दिया गया है आप वहां जाके इस मूवी को एंजॉय ले सकते हैं चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप वेद मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो बिल्कुल फ्री में दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा वेद मूवी के बारे में बात कर लेते हैं आखिरकार कैसी है मतलब किन किन लोगों को ये मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इसे नापसंद भी कर सकते हैं और साथ में हम जानेंगे मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप हुई थी और इसके स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर भी है दोस्तों चलिए बात करते हैं वेद मूवी के बारे में इस मूवी को तीस दिसंबर दो में रिलीज की गई थी और इसके स्टार कास्ट में रितेश देशमुख गिन जिया शंकर और सलमान खान जैसे कलाकार आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर मेरी तरफ आपके फेवरेट रितेश देशमुख और सलमान खान है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना और साथ ही साथ मूवी के रिलेटेड जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों बात करते हैं मूवी मूवी के के स्टोरी बारे में में तो इस दिखाया जाएगा एक उदास शराबी होता है लेकिन उस शराबी को मुक्ति तब मिलती है जब उसे पहले की प्रेमी की अनाथ बेटी उसके साथ रहने का फैसला करती है हालांकि युवा लड़की उसे गोद लेने के लिए एक शर्त रखती है आगे आपको इस मूवी में दिखाया जाएगा कि क्या होता है और कैसे शराबी शराब से मुक्त होता है दोस्तों यह रितेश देशमुख की काफी कमाल की मूवी है और इस मूवी के डायरेक्टर भी रितेश देशमुख ही है दोस्तों बात करते हैं यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप फिर हम आगे जानेंगे आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं दोस्तों वेद मूवी को बनाने में लगभग पंद्रह करोड़ की बजट लग गई थी लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी कमाल का, का कलेक्शन किया है इस मूवी ने लगभग पचहत्तर करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है इससे हमें यह पता चलता है यह मूवी दो की एक सुपर हिट मूवी लिस्ट में शामिल हुई अब बात करें इसके एम रेटिंग के बारे में इस मूवी को दस में से लगभग सात पॉइंट पांच की रेटिंग मिली है जो कि काफी कमाल की काफी रेटिंग मानी जाती है और साथ ही साथ इसे गूगल यूजर भी पसंद करते हैं दोस्तों विद मूवी में ड्रामा एक्शन रोमांस तीनों आपको एक साथ देखने को मिलेगा और बात करें इसके ड्यूरेशन की तो इस मूवी की ड्यूरेशन दो घंटे अट्ठाईस मिनट की है चलिए दोस्तों बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो उन्हें मैं बता यह मूवी अभी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं उनको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ही यह मूवी को यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस मूवी का लिंक एड कर दूंगा अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को एच क्वालिटी में ऑफिशियल तरीके ऐसी धन्यवाद नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप वैद्य मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो बिल्कुल फ्री में दोस्तों स्टार्ट करने से पहले थोड़ा वैद्य मूवी के बारे में बात कर लेते हैं आखिरकार ये मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को ये मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इसे नापसंद भी कर सकते हैं और साथ में हम जानेंगे यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप हुई थी और इसके स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर भी है दोस्तों चलिए बात करते हैं वेद मूवी के बारे में इस मूवी को तीस दिसंबर दो में रिलीज की गई थी और इसके स्टार कास्ट में रितेश देशमुख गिनीलिया जिया शंकर और सलमान खान जैसे कलाकार आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर मेरी तरफ आपके भी फेवरेट रितेश देशमुख और सलमान खान है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना और साथ ही साथ मूवी के रिलेटेड जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों बात करते हैं वेद मूवी के स्टोरी के बारे में तो इस मूवी में दिखाया जाएगा एक उदास शराबी होता है लेकिन उस शराबी को मुक्ति तब मिलती है जब उसे पहले की प्रेमी की अनाथ बेटी उसके साथ रहने का फैसला करती है हालांकि युवा लड़की उसे गोद लेने के लिए एक शर्त रखती है आगे आपको इस मूवी में दिखाया जाएगा कि क्या होता है और कैसे वो शराबी शराब सराव से मुक्त होता है दोस्तों यह रितेश देशमुख की काफी कमाल की मूवी है और इस मूवी के डायरेक्टर भी रितेश देशमुख ही है दोस्तों बात करते हैं यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं दोस्तों वेद मूवी को बनाने में लगभग पंद्रह करोड़ की बजट लग गई थी लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी कमाल का कलेक्शन किया है इस मूवी ने लगभग पचहत्तर करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है इससे हमें यह पता चलता है यह मूवी दो की एक सुपर हिट मूवी लिस्ट में शामिल हुई अब बात करें इसके आई रेटिंग के बारे में इस मूवी को दस में से लगभग सात की रेटिंग मिली है जो की काफी कमाल की आई रेटिंग मानी जाती है और साथ ही साथ इसे नाइन्टी गूगल यूजर भी पसंद करते हैं दोस्तों वेद मूवी में ड्रामा एक्शन रोमांस तीनों आपको एक साथ देखने को मिलेगा और बात करें इसके ड्यूरेशन की तो इस मूवी की ड्यूरेशन दो घंटे अट्ठाईस मिनट की है चलिए दोस्तों बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो उन्हें मैं बता दो यह मूवी अभी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं उनको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ही यह मूवी को यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस मूवी का लिंक एड कर दूंगा बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को एच क्वालिटी में ऑफिशियल तरीके से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं तो उनके लिए खुशी की बात है की इस मूवी को डिजनी हॉटस्टार रिलीज कर दिया गया गया है आप वहाँ जाके इस मूवी का एंजॉय ले सकते हैं चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तो तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप वैद्य मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो बिल्कुल फ्री में दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा वैद्य मूवी के बारे में बात कर लेते हैं आखिरकार ये मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को ये मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इसे नापसंद भी कर सकते हैं और साथ में हम जानेंगे यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप हुई थी और इसके स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर भी हैं दोस्तों चलिए बात करते हैं वेद मूवी के बारे में इस मूवी को 30 दिसंबर 2022 में रिलीज की गई थी और इसके स्टार कास्ट में रितेश देशमुख जिया शंकर और सलमान खान जैसे कलाकार आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर मेरी तरफ आपके फेवरेट रितेश देशमुख और सलमान खान है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना और साथ ही साथ मूवी के रिलेटेड जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों बात करते हैं वेद मूवी के स्टोरी के बारे में तो इस मूवी में दिखाया जाएगा एक उदास शराबी होता है लेकिन उस शराबी को मुक्ति तब मिलती है जब उसे पहले प्रेमी की अनाथ बेटी उसके साथ रहने का फैसला करती है हालांकि युवा लड़की उसे गोद लेने के लिए एक शर्त रखती है आगे आपको इस मूवी में दिखाया जाएगा कि क्या होता है और कैसे वो शराबी शराब से मुक्त होता है दोस्तों यह रितेश देशमुख की काफी कमाल की मूवी है और इस मूवी के डायरेक्टर भी रितेश देशमुख ही है दोस्तों बात करते हैं यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप फिर हम आगे जानेंगे आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं दोस्तों वेद मूवी को बनाने में लगभग पंद्रह करोड़ की बजट लग गई थी लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी कमाल का कलेक्शन किया है इस मूवी ने लगभग पचहत्तर करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है इससे हमें यह पता चलता है यह मूवी दो की एक सुपर हिट मूवी लिस्ट में शामिल हुई अब बात करें इसके आई रेटिंग के बारे में इस मूवी को दस में से लगभग सात की रेटिंग मिली है जो की काफी कमाल की आई रेटिंग मानी जाती है और साथ ही साथ इसे नाइन्टी गूगल यूजर भी पसंद करते हैं दोस्तों विद मूवी में ड्रामा एक्शन रोमांस तीनों आपको एक साथ देखने को मिलेगा और बात करें इसके ड्यूरेशन की तो इस मूवी की ड्यूरेशन दो घंटे अट्ठाईस मिनट की है चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो उन्हें मैं बता दो यह मूवी अभी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं उनको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ही यह मूवी को यूट्यूब अपलोड किया जाएगा तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस मूवी का लिंक एड कर दूंगा अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को एच क्वालिटी में ऑफिशियल तरीके से ओडीटी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं तो उनके लिए खुशी की बात है की इस मूवी को डिजनी हॉटस्टार रिलीज कर दिया गया है आप वहाँ जाके इस मूवी को इंजॉय ले सकते हैं चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप वेद मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ करते थक चुके हैं तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो बिल्कुल फ्री में दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा वेद मूवी के बारे में बात कर लेते हैं आखिरकार ये मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को ये मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इसे नापसंद भी कर सकते हैं और साथ में हम जानेंगे यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप हुई थी और इसके स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर भी हैं दोस्तों चलिए बात करते हैं वेद मूवी के बारे में इस मूवी को 30 दिसंबर 2022 में रिलीज की गई थी और इसके स्टार कास्ट में रितेश देशमुख गिन जिया शंकर और सलमान खान जैसे कलाकार आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर मेरी तरह आपके फेवरेट रितेश देशमुख और सलमान खान है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना और साथ ही साथ मूवी के रिलेटेड जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों बात करते हैं वेद मूवी मूवी के के स्टोरी बारे में में तो इस दिखाया जाएगा एक उदास शराबी होता है लेकिन उस शराबी को मुक्ति तब मिलती है जब उसे पहले की प्रेमी की अनाथ बेटी उसके साथ रहने का फैसला करती है हालांकि युवा लड़की उसे गोद लेने के लिए एक शर्त रखती है आगे आपको इस मूवी में दिखाया जाएगा कि क्या होता है और कैसे वो शराबी शराब से मुक्त होता है दोस्तों यह रितेश देशमुख की काफी कमाल की मूवी है और इस मूवी के डायरेक्टर भी रितेश देशमुख ही है दोस्तों बात करते हैं मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप फिर हम आगे जानेंगे आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं दोस्तों वेद मूवी को बनाने में लगभग पंद्रह करोड़ की बजट लग गई थी लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी कमाल का कलेक्शन किया है इस मूवी ने लगभग पचहत्तर करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है इससे हमें यह पता चलता है यह मूवी दो की एक सुपर हिट मूवी लिस्ट में शामिल हुई अब बात करें इसके एम रेटिंग के बारे में इस मूवी को दस में से लगभग सात पॉइंट पांच की रेटिंग मिली है जो कि काफी कमाल की आई एम डी रेटिंग मानी जाती है और साथ ही साथ इसे नाइन्टी फाइव परसेंट गूगल यूजर भी पसंद करते हैं दोस्तों विद मूवी में ड्रामा एक्शन रोमांस तीनों आपको एक साथ देखने को मिलेगा और बात करें इसके ड्यूरेशन की तो इस मूवी की ड्यूरेशन दो घंटे अट्ठाईस मिनट की है चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो उन्हें मैं बता दो यह मूवी अभी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं उनको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ही यह मूवी को यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दूंगा बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को एच क्वालिटी में ऑफिशियल तरीके ऐसी ओडिटी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं तो उनके लिए खुशी की बात है कि इस मूवी को डिजनी हॉट रिलीज कर दिया गया है आप वहाँ जाके इस मूवी का एंजॉय ले सकते हैं चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तो तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप वैद्य मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो बिल्कुल फ्री में दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा वैद्य मूवी के बारे में बात कर लेते हैं आखिरकार ये मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इसे नापसंद भी कर सकते हैं और साथ में हम जानेंगे यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप हुई थी और इसके स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर भी है दोस्तों चलिए बात करते हैं वेद मूवी के बारे में इस मूवी को तीस दिसंबर दो में रिलीज की गई थी और इसके स्टार कास्ट में रितेश देशमुख गिनीलिया जिया शंकर और सलमान खान जैसे कलाकार आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर मेरी तरफ आपके भी फेवरेट रितेश देशमुख और सलमान खान है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना और साथ ही साथ मूवी के रिलेटेड जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों बात करते हैं वेद मूवी के स्टोरी के बारे में तो इस मूवी में दिखाया जाएगा एक उदास शराबी होता है लेकिन उस शराबी को मुक्ति तब मिलती है जब उसे पहले की प्रेमी की अनाथ बेटी उसके साथ रहने का फैसला करती है हालांकि युवा लड़की उसे गोद लेने के लिए एक शर्त रखती है आगे आपको इस मूवी में दिखाया जाएगा की क्या होता है और कैसे वो शराबी शराब ऐसी मुक्त होता है दोस्तों यह रितेश देशमुख की काफी कमाल की मूवी है और इस मूवी के डायरेक्टर भी रितेश देशमुख ही है चलिए दोस्तों बात करते हैं यह मूवी हिट हुई थी या फिर फ्लॉप फिर मांगे जानेंगे आप इस मूवी को कहा और कैसे देख सकते हैं दोस्तों वेद मूवी को बनाने में लगभग पंद्रह करोड़ की बजट लग गई थी लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी कमाल का कलेक्शन किया है इस मूवी ने लगभग पचहत्तर करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है इससे हमें यह पता चलता मूवी दो हजार बाईस की एक सुपर हिट मूवी लिस्ट में शामिल हुई अब बात करें इसके एम रेटिंग के बारे में इस मूवी को दस में से लगभग सात की रेटिंग मिली है जो की काफी कमाल की एम रेटिंग मानी जाती है और साथ ही साथ इसे नाइन्टी गूगल यूजर भी पसंद करते हैं दोस्तों वेद मूवी में ड्रामा एक्शन रोमांस तीनों आपको एक साथ देखने को मिलेगा और बात करें इसके ड्यूरेशन की तो इस मूवी की ड्यूरेशन दो घंटे अट्ठाईस मिनट की है चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो उन्हें मैं बता दो यह मूवी अभी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं उनको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ही यह मूवी को यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस मूवी का लिंक एड कर दूंगा बात करते हैं उन लोगों की जो इस मूवी को एच क्वालिटी में ऑफिशियल तरीके से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं तो उनके लिए खुशी की बात है की इस मूवी को डिजनी हॉटस्टार रिलीज कर दिया गया है आप वहां जाके इस मूवी का एंजॉय ले सकते हैं चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तो तक के लिए धन्यवाद